क्लास है, थ्योरिटिकल जो है, सैद्धांतिक जो नॉलेज है वो जरूरी है, लेकिन इस विषय में, ललित कला विषय में, फाइनेंस विषय में प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हालांकि जो भी होमवर्क आप लोगों को मिला, आप लोगों ने प्रस्तुत किया है, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मैडम को दिया है, मैडम ने उसको बड़े अच्छे तरीके से आप सभी के बीच प्रस्तुत किया है, और साथ ही साथ उस पर में गहनता से जो है चर्चाएं भी हुई हैं, डिस्कशंस भी हुए हैं, और निश्चित रूप से अपने कला को जो भी लोग प्रदर्शित किए हैं और या आगे करेंगे, उनको ये चीज़ पता चल गया होगा कि हमें हमारे पेंटिंग में, ये हमारे जो वर्क है उसमें क्या कमियां हैं और उसको कैसे पूरा किया जाना चाहिए। काफ़ी अच्छी मेहनत आप लोगों ने की है, काफ़ी अच्छा परिश्रम आप लोगों ने किया है, इसमें दो राय नहीं है, और मैं देख रहा हूँ कि क्रमशः सभी पार्टिसिपेंट्स को जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक 15 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, और इस तरह से लोग समय के हिसाब से अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, क्लासेस स्टार्ट होगा। और सभी पार्टिसिपेंट्स को ये भी बता दें कि कल मैंने सर्टिफिकेट के बारे में चर्चाएं की थी, तो डिस्कशंस हुए हमारी और हमें ये अनुमति मिल गई है, परमिशन मिला कि हाँ ये सर्टिफिकेट जो है बच्चों को दिया जाए। तो इस वर्कशॉप का एक बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि हम वर्कशॉप के माध्यम से एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त करेंगे, और उस सर्टिफिकेट का महत्व आपके एकेडमिक कैरियर में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट का काम करेगा। कोई भी वर्कशॉप आप करते हैं, कोई भी सेमिनार, कोई भी वेबिनार, कोई भी कॉन्फ्रेंस या जो भी बड़े बड़े स्तर के कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, और यदि वो हमारे शिक्षा से रिलेटेड है, निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में उसका जरूर लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट दे पाए। यहाँ एक कंडीशन ये है कि क्या सभी पार्टिसिपेंट्स को देना चाहिए, क्या सभी जो अटेंड किए हैं वर्कशॉप, क्योंकि मेरे पास एक एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, क्या उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा संशय की स्थिति है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस वर्कशॉप की पारदर्शिता और जिस प्रकार से अनुशासन का हम लोगों ने ध्यान रखा है, निश्चित रूप से मैं इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हूँ कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इस वर्कशॉप के माध्यम से अपना क्लास अटेंड किए हैं और कर रहे हैं, निश्चित रूप से वही पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए डिजर्व करते हैं। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना एक सिद्धांत है कि जो भी विद्यार्थी, जो भी प्रशिक्षु पूरे कार्यक्रम के दौरान, आज छठा पांचवा दिन है, कल छठवां दिन हो जाएगा और कल समाप्त भी हो जाएगा, पूरे पाठ्यक्रम के विषयों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से ये वर्कशॉप चला है और उससे संबंधित जो भी चीजें हम लोगों ने सीखा है, तो उस सर्टिफिकेट की महत्ता इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस चीज को देखा है, आपने उस चीज को सुना है, आपने उस पर काम किया है, और इसके बदले महाविद्यालय की तरफ से आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट दिया। ये छोटा सर्टिफिकेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर्टिफिकेट जो है छोटा भले ही है लेकिन उसका महत्व अधिक है। सर्टिफिकेट छोटा होता है लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। तो इस छोटे से चीज के लिए जिन लोगों ने अपने काम को छोड़ करके, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मैम, वो बहुत सारे काम को करती है, घर का काम करती है, मैक्सिमम तो हमारे यहाँ गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स ही हैं, तो उनके घर का काम भी रहता है और बच्चों को भी देखना है, बहुत तरह की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम की तलाश में जो है अपने अपने कामों में भी लगे हुए हैं। ओवरऑल जिन्होंने भी इस वर्कशॉप को अपना समय दिया है, चाहे वो कितनी भी व्यस्तता क्यों न रहे उनके पास, लेकिन यदि उन्होंने समय दिया है तो वही पार्टिसिपेंट, वही प्रशिक्षु जो है सर्टिफिकेट लेने के लिए डिजर्व करता है, ऐसा जी ही मेरा। बेशक बेशक उन्हीं लोगों को बिल्कुल दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो सभी पार्टिसिपेंट्स इस बात का ध्यान रखिए, मैं प्रत्येक दिन का अटेंडेंस, प्रत्येक दिन कौन स्टूडेंट कितने देर के लिए जुड़ते हैं, एक एक चीज मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ,
क्योंकि कल को आप यह ना कहें, दावा ना करें कि सर मैंने क्लास किया या मैं अटेंड थी या मैंने फलना, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ मैसेज भी आए हैं कि सर मैंने तो क्लास किया है लेकिन मेरा नाम नहीं शो कर रहा, सर मैंने तो अटेंडेंस बनाया है लेकिन मेरा नाम नहीं शो कर रहा। तो मैं यहाँ आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ कि ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि जिस फॉर्म को आप फिलअप करते हैं एक एक रिकॉर्ड यहाँ दिखता है, और ये रिकॉर्ड जो है इसके लिए ना हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ना हमारे जो तकनीकी सहायक हैं नीरज जी वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये कंप्यूटर और जो ये तकनीकी है वो रिस्पॉन्सिबल है। और वो कभी भी मैंने पहले भी कहा, पहले ही दिन कहा था कि झूठ नहीं बोलता, हम आप भले ही गलत गलत कर ले लेकिन वो नहीं कुछ करेगा। तो जो भी चीज़ें आप लोग करते हैं वो यहाँ दिखता है। तो निश्चित रूप से ये कहना कि सर मैंने पार्टिसिपेट किया या मैंने अटेंडेंस बनाया ये वो, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि इस वैकल्पिक प्रणाली में सब लोग फ्रेंडली नहीं भी हैं। मैं इस बात को भी मानता हूँ सब लोग फ्रेंडली नहीं है, जैसे मैंने कहा था बैटरी की समस्या, बिजली की समस्या, नेटवर्क की समस्या इत्यादि इत्यादि बहुत तरह की बात है। लेकिन फिर भी प्रायरिटी है हमारा कि इस क्लास को हम अटेंड करें, प्रायरिटी होनी चाहिए कि हम कैसे भी करके इस चीज़ को सीखें समझें, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। और ये फिर दोबारा तो कंडक्ट नहीं होने जा रहा है, EPC 2 खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्लास की तरफ बढ़ेंगे। काम की कमी नहीं है, करके काम होता चला जाएगा तभी हम दूसरे कामों को भी कर पाएंगे। तो इसीलिए निश्चित रूप से ये मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये कार्यशाला चला है और आज उसका पांचवा दिन है, कल छठा दिन हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये कार्यशाला अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सका है, मुझे कहने में कोई ये नहीं है। और जहाँ तक पार्टिसिपेंट्स के पार्टिसिपेशन की बात है, निश्चित रूप से जो भी पार्टिसिपेंट अपनी रुचि दिखाए हैं, अपनी अपने कार्यों को कंप्लीट करके मैडम को शेयर किया है और मैडम ने जिस प्रकार से उस पर डिस्कशन किया है, निश्चित रूप से उस पर आपको लाभ होगा। अभी भी जो भी प्रतिभागी चाहते हैं कि हमने हमने जो कुछ वर्क किया है या हम करेंगे या हमको कोई जानकारी चाहिए, तो आप जानते ही हैं कि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, निश्चित रूप से आप उसमें हिस्सा लीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन हैं, उसको आप दूर करने का प्रयास करिए ताकि आप आगे से कोई गलती ना करें। यही मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता था। बाकी 11:13 कंप्लीट हो चुके हैं, बस 1.5 मिनट 2 मिनट के बाद जो है ये कार्यक्रम अपने समय के हिसाब से चलेगा, और मैं देख पा रहा हूँ लगभग 20 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। अपने जो भी कैंडिडेट, जो भी पार्टिसिपेंट या आपके क्लासमेट्स नहीं जुड़ पाए हैं कहेंगे, उनको इमीडिएट अपने स्तर से बता दें कि क्लास स्टार्ट होने वाला है, आप लोग सभी जुड़ जाए। इस बीच में एक इनोवेशन हुआ है, कॉलेज का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आएगा, हमारे नीरज जी शेयर कर रहे हैं, तब तक हम लोग आइए उस वीडियो को वॉच करते हैं।
थैंक यू वेरी मच नीरज जी, आपने पुरानी यादें सुधारा फ्रेंड्स का, इस बहुत सुंदर वीडियो को दिखाने का उद्देश्य भी यही था कि हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और थोड़ी सी अपने अपने किए हुए कार्यों को देखें और साथ ही साथ कॉलेज आप मिस कर रहे हैं वो भी आपको एक बार याद दिला दें कि सबको देखने के बाद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे सामने कॉलेज खड़ा है और हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा कि मैं वीडियो देख पा रहा था कि मैं सभी बच्चों को देख पा रहा हूँ, सभी लोग यहीं हैं, सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, काम ये सब हो रहा है। तो चलिए हम लोगों ने वीडियो भी देख लिया, आइए 11 बजे से एक बार क्लास स्टार्ट करें। जी जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सबको। आशा है कि इन दिनों जो हम लोगों ने एक साथ बैठ करके थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर पाए अपना अपना जो व्यूज है, उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर पहुंचा है। बेसिकली आपका जो काम कल तक पहुंचा मेरे पास, कल जो काम पहुंचा उसमें कुछ काम तो इतना अच्छा आया है, सभी काम बहुत अच्छा है, मतलब सभी ने देखिए दिल और मन। आपको लग रहा है मेरा ड्राइंग ऐसा है फिर भी मैम बोली बहुत अच्छा है, असल में ऐसा नहीं है। अपने दिल से काम किया वो सबसे पहले जरूरी है, था और रहेगा। और सबसे बड़ी चीज जो है, जिन लोगों को हमने कुछ कुछ डायरेक्शन वगैरह दिया था के फादर डेवलपमेंट के लिए काम का, उनका दोबारा काम आया काफी अच्छा, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वर्चुअल क्लास में बैठ करके अगर इतना डेवलपमेंट हो सकता है और थोड़े ही दिनों में, तो आप लोग कितना सीरियस है वो पता चलता है। जितने भी देखिए जितने भी आए पार्टिसिपेंट्स, थोड़ा कम जरूर है, ये अखरता जरूर है, मगर इतना हमको बहुत अच्छा लगता है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हर एक लोग बहुत अच्छा से सीरियसली इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे झा सर ने कहा कि सर्टिफिकेट इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, ऑब्वियसली जो लोग देखिए एक चीज होता है, बहुत बचपन का एक एक्सपीरियंस हम कहते हैं, उस दिन बहुत बरसात था, हम लोग पैदल स्कूल जाते थे और किसी तरह हम पहुंच गए थे स्कूल, प्राइमरी सेक्शन का बात था, और हम और एक और बच्ची शायद पहुंची थी, दूसरे दूसरे क्लास में कहीं एक लड़का पहुंचा कहीं इस तरह, मतलब बहुत कम अटेंडेंस था। हालांकि हम लोग का प्राइमरी स्कूल जो था वो नया नया इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था, तो इंग्लिश मीडियम का क्रेज नहीं हुआ करता था उस समय, तो हम लोग उसमें थे कुछ जन, ज्यादा नहीं, मेरे क्लास में संख्या हमको लगता है स्टूडेंट्स का 9 जन था, बहुत कम, तो उनमें से हम और एक बच्ची और पहुंचे थे, बाकी सब कोई वहां से गायब था क्योंकि बारिश था, और हम दोनों भीगे भी नहीं थे क्योंकि उतना जोर का बारिश भी नहीं था, क्योंकि छाता वाता लेके जैसे तैसे दौड़ के हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन बाकी लोग नहीं आए थे, इसलिए हम दोनों को इतना डांट पड़ा था एक मिस्ट्रेस से कि लास्ट में मैं थोड़ा सा बचपन में भी कहिए, हालांकि अभी सुधर गई हूं, उस समय ना मैं बोल देती थी, तो मैं लास्टली जब हेडमिस्ट्रेस डांट के अपने थक गए, उस समय मैं बोली थी काश मैं नहीं आई होती तो आज ये डांट मुझे सुनना नहीं पड़ता। तो पता नहीं उसका
क्या ये निकला था, वो क्या सोचे थे मेरे बारे में वो नहीं मुझे पता था, लेकिन आज भी ये फिलोसॉफी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बचपन में हम कहे थे कि जो लोग हम लोग आए हैं वो लोग डांट क्यों सुने, और जो लोग नहीं आए हैं वो लोग वो लाभ क्यों उठाए जो हम लोगों ने मेहनत तो किया है। आप लोग ये सबसे बड़ी बात है, देखिए आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, आपको नहीं अच्छा लगा होगा क्लास, आपको लगभग लगा होगा क्लास, फिर भी आप में वो सीखने का जुनून था तो आपने मेरे साथ, अभी 5 दिन का है, कल हो जाएगा तो 6 दिन का पूरा आप मेहनत किए। जैसे झा सर का टोटल कोऑर्डिनेशन नहीं रहने से तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम सर को पहले ही जब ये हुआ प्लानिंग हुआ तो बोले थे सर आप रहिएगा ना, क्योंकि पूरा कॉन्डक्ट करना और ये सब, देखिए हम लोग इतना भी फैमिलियर इसमें नहीं है तो इसको टोटल करना थोड़ा मुश्किल तो था, मगर देखिए आप लोगों का सबका कोऑपरेशन से और आप लोगों का ये जो दिल है जुनून है इसके जरिए इतना दूर तक तो हम लोग चल लिए। और आज हम काम जो आप लोग सबमिट किए हैं उसको हम दिखाएंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा, सबको हम लोग देखेंगे एक साथ में बैठ करके कि 5 दिन का ही मात्र एक प्रैक्टिस से कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, आप लोग देखिएगा तो अच्छा लगेगा। और इससे जो चीज झासर ने कहा कि इसका प्रायोरिटी रहता है प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट तो सीरियसली प्रैक्टिकल बेस्ड ही है, और जहां भी मैं पढ़ाती हूँ इसको मुझे थोड़ा सा आदत है कि मैं इसका जो क्या बोलूं मैं, मतलब जो भी कहिए इसको, जो कितना ये सही है एक एजुकेशनल सिस्टम में इसको डालना, इसके बारे में मैं जरूर थोड़ा सा रोशनी डालने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक चीज है एक इंटरप्रिटेशन है रिगार्डिंग फाइन आर्ट। जैसे देखिए हम लोग का इसमें पीएचडी तक का पढ़ाई होती है इसमें, इस फील्ड में पीएचडी भी जो आदमी इस सब्जेक्ट में कर चुका है वो परिजनों में भी शायद उनको सुनना पड़ता है काश थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया होता तुमने, तो ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है इस सब्जेक्ट के बारे में। और जितना मेरा इतने दिनों से जो हमने एक्सपीरियंस गैदर किया, एक चीज मुझे मालूम है कि हर सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास नहीं होगा तो एक चित्र को प्रॉपरली बनाना उतना आसान नहीं होगा, भले ही एक दूसरा दूसरा सब्जेक्ट का बच्चा वो बोल दे कि मुझे ड्राइंग बनाना नहीं आता उसका चल जाएगा, लेकिन हम लोगों को अगर सूरज किस तरफ से उठता है नहीं पता तो नहीं चलेगा, जियोमेट्रिक मेजरमेंट हम लोगों को नहीं आता तो नहीं चलेगा, भौगोलिक दिशा निर्देश हम लोगों को नहीं आता तो नहीं चलेगा, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर एक इंसान का जानवर का किसी चीज का उद्भिद का मतलब कोई भी पेड़ पौधा का हमें नहीं पता होगा तो नहीं चलेगा, बेसिकली किससे क्या रिएक्शन होता है केमिस्ट्री का वो अगर नहीं पता होगा तो हम लोग कलर एप्लीकेशन 6 से नहीं कर पाएंगे। आप कहिएगा कलर एप्लीकेशन ये शब्द मैंने कहा तो इसमें देखिएगा बहुत आसान सा चीज है भाई, वाटर कलर मिलता है, पेस्टल ये सब मिलता है, मेरा खुद का सब्जेक्ट है ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग जिससे मैं मास्टर्स करके निकली हूँ, उसमें इतना ज्यादा केमिस्ट्री है, मतलब उसमें आप समझ सकते हैं कि एक लाइन स्टोन के ऊपर लिथोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो कुछ कुछ मैंने दिखाया आप लोगों को अपने, एक लाइन स्टोन के ऊपर क्रेयॉन से ड्रॉइंग होता है या तो कोई भी ग्रीज मेटीरियल से ड्रॉइंग होता है, फिर उसके बाद बहुत सारा केमिकल प्रोसेस के तहत उसको गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर के उसका प्रिंट मेकिंग होता है। आपको एक साधारण सा बात मैं कह दूं कि जैसे एक प्लेन सरफेस है उसका लिथोग्राफ का, लिथो का, लिथो मींस स्टोन, ठीक है, तो पत्थर का जो एक एकदम प्लेन सरफेस होता है उसके ऊपर आपने ड्राइंग किया और फिर आप जब प्रिंट ले रहे हो तो आपके ड्राइंग में जो व्हाइट स्पेस है वो व्हाइट है और जिसमें कलर था उसमें कलर है, और आप रोल किससे कर रहे हो, कलर किससे कर रहे हो, एक बेलन से, जो लेदर एक बेलन रहता है मतलब रोलर, उसी से आप कलर कर रहे हो ऑन अ प्लेन सरफेस विथ अ
प्लेन सरफेस रोलर। तो अब आपको सोचना होगा कि सिर्फ कलर के जगह कलर पकड़ रहा है, व्हाइट एरिया क्यों व्हाइट है, इसका एक बहुत बड़ा केमिस्ट्री है। बचपन में केमिस्ट्री से मैं भागती थी, मतलब केमिस्ट्री पसंद नहीं था और इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने में नहीं होता है, जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है थोड़ा सा झिझक था। लेकिन फिर मैं जब चॉइस की अपना फाइन आर्ट में जाके, तो ऐसा सब्जेक्ट मैंने चॉइस किया जिसमें बिना केमिस्ट्री का आप एक कदम नहीं चल सकते हो। जैसे उसमें जिंक प्लेट के ऊपर धातु तक्षण जिसको कहते हैं, एचिंग वगैरह, तो एसिड से बाइट करा के, कौन एसिड से कितना परसेंटेज आपको बाइट कराना है, ये है, मतलब पूरा लेबोरेटरी आपको यूज करना पड़ेगा। तो बात यही है कि बिना केमिस्ट्री का जानकारी का मुझसे तो ड्राइंग बनेगा नहीं। तो इस तरह का है कि हर सब्जेक्ट का आपको नॉलेज रखना होगा। और सबसे बड़ी चीज जो हम लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं वो है कि हर सब्जेक्ट के प्रति आपका श्रद्धा होना चाहिए। और यही मैं इसलिए इसका थियोरिटिकल साइड थोड़ा सा बोलने का कोशिश करती हूं, जितना भी समय मुझे मिले उससे थोड़ा सा डिवाइड करके निकाल के, कि ये श्रद्धा जो हम लोग करते हैं दूसरा हर सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट के प्रति हर एक का होना चाहिए। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे कर्नल स्कूल में जब मैं जॉब करती थी उस समय एक जन बोल, मतलब टीचर जैसे थी, वो बोली कि आपका सब्जेक्ट तो हो जाता है। हम बोले थे करके दिखाइए। असल में होता क्या है ना, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक जगह होता है और अगर उसको हम सम्मान नहीं कर पाए तो मुश्किल है। आप बोलोगे ड्राइंग तो बन जाता है, तो फिर जब कोई ड्राइंग करते हो अटकता क्यों है, आना क्यों पड़ता है टीचर के पास, या तो जो जानते हैं उनके पास जाना क्यों पड़ता है। असल में आसान कोई भी चीज, जैसे मुझे आज मानिए एक मैथमेटिकल ये करना है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है हमसे नहीं हो रहा है, तो हमको जो मैथमेटिक्स के जानकार है उनके पास जाना है। और उनको जब कोई इस तरह का चीज बनाना हो, बनवाना हो, तो उनको मेरे पास आना ही है। हर सब्जेक्ट का ये जो जगह है अपना, तो इसको सम्मान करना हर किसी को सीखना पड़ेगा। हम आप लोगों के लिए खास करके इसलिए कह रहे हैं, पिछले दिन एक बात हुआ था, कोई एक स्टूडेंट हमसे बात की थी, मैं नाम बहुत भूल जाती हूँ, हमको माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हमको याद कम रहता है नाम। तो जैसे कि कोई बच्चा अगर सिर्फ ड्राइंग में बहुत दिलचस्पी रखता हो तो फिर डील कैसे किया जाए, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कोई भी पढ़ाई, तो उसको उसके जो प्राप्त सम्मान है कि हाँ वो जिस चीज को समझता है उसके जरिए हमको जाना है। अगर हम ड्राइंग पेंटिंग को, फाइन आर्ट्स को, क्राफ्ट का जो मेरा दिमाग है उसको मैं सम्मान नहीं कर पाती हूँ, तो मैं एज अ टीचर उस बच्चा को सम्मान कैसे दूंगी, ये एक क्वेश्चन रह जाता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। किसी को हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, किसी को जियोग्राफी अच्छा नहीं लगता, किसी को, जैसे मुझे केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता था, जिंदगी भर मैं केमिस्ट्री में रह गई, मतलब एक साबोय से जाके केमिस्ट्री में ही गिरी। तो उसी तरह लगना, मैंने अच्छा नहीं लगना एक बात, लेकिन उसको उसका प्राप्त सम्मान जो है उस सब्जेक्ट का आप अगर देते रहिएगा, तो कभी ना कभी वो सब्जेक्ट भी वो सम्मान आपको लौटाएगा। जैसे उसको कुछ हद तक समझना या तो उसके साथ चलना, चलने का आदत हो जाएगा हर एक को, हर सब्जेक्ट को। इसीलिए कोई कोई, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं जितना दिन रही, हिंदी इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, ये बोलने का एक तो आदत है बच्चों का, वो डाला जाता है बच्चों में। बंगाली जिसका मानिए सेकेंड लैंग्वेज बंगाली है, जिस सब स्कूल में, वहां भी बंगाली क्या पढ़ेंगे। असल में ये लोग भूल जाते हैं कि इंडियन लैंग्वेज वो है, दूसरा है मातृभाषा है, राजभाषा है, उसका जो प्राप्त सम्मान है वो अगर मैं देना नहीं सीखी या सीखा, तो मैं पढ़ क्यों रही हूँ या पढ़ क्यों रहा हूँ, कोई डिग्री मैं ले क्यों रहा हूँ। ये तो है कि डिग्री जब मुझे कहीं से दिया जा रहा है, जब अभी सर्टिफिकेट का, जैसे इसी वर्कशॉप के लिए बात हुआ,
तो आपको दिस इज टू सर्टिफाई दैट करके शुरू किया जाता है कि आपने ये अटेंड किया और आपने सीखा। तो जब हम एक सेकेंडरी एग्जाम या हायर सेकेंडरी एग्जाम या कोई भी मानिए बैचलर्स मास्टर्स कुछ भी देके हम निकल रहे हैं तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ इन्होंने इतना पढ़ाई किया। तो कुछ एक पढ़ाई करने के बाद अगर पता चला मैं अपना सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट को सम्मान ही नहीं करना सीखा तो हमने पढ़ाई क्यों की, यही प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हर विषय को उसका पोजीशन देना बहुत जरूरी है। और आप लोगों का जितने का काम आया कल को मैं बहुत खुश थी कि इतना अच्छा अच्छा काम आया। आप खुद देखिएगा, खुद आपको महसूस होगा, खुद का पहला दिन जो आप लोग काम किए थे उस दिन से आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा आप लोगों ने इसमें काम किया है। और हमको तो लगता है काफी हद तक आप लोगों को भी हम जानकारी दे पाए और आप लोग ले पाए। बहुत एक मिनट स्क्रीन में आ जाए तो कृपया हमको बताइएगा कि दिख रहा है। हेलो जी हाँ जी आ रहा है स्लाइड। अच्छा जी जी हाँ देखिए कितना सारा काम हो गया हम लोग का इन दिनों, बहुत सारा मतलब बच्चों ने काम किया है इतना अच्छा। ये कल का है हाँ, ये आज माने कल रात तक जो जो मेरे पास आके आया उसका मैं अभी करूंगी। अच्छा इसमें देखिए कल जी हेलो अच्छा जी 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 सर। अच्छा ये नाम क्या है, अच्छा जिनका काम है हैंड रेज कीजिए तो मुझे थोड़ा सा नाम पढ़ने में दिक्कत हो। श्रेना सेन, श्रेना सेन जी आप उनको अनम्यूट कर दीजिए सर। श्रेना ओके है क्या क्लास में? हाँ श्रेना अनम्यूट है। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए कल इसके बारे में बात हुआ था, आपने कितना सुंदर से इसको बनाया हमको देख के। और सबसे आपको मैंने सुन के भी अजीब लगेगा, कल मैं आप लोगों से बोली थी कि मैं ये सब सीरियल ये सब बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो कुछ हो गया मेरे साथ ऐसा, मतलब ये बहाना मुझे नहीं करना चाहिए था मगर फिर भी मैं ना समय नहीं बना पाई उसके लिए। और आपका ये काम आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैं जो आप लोगों को गहना वगैरह जो फूलों का वगैरह क्राफ्ट के तहत दिखाऊंगी उसमें भी मैं इस स्लाइड को इंक्लूड करके रखी हूँ आपका वाला, ठीक है? तो पहले ही मैंने आपसे परमिशन बिना मांगे ही उस स्लाइड में हम उसको घुसाए हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छा से आपने एग्जीक्यूट किया। बेसिकली ये एक मैं कह सकती हूँ ये रंगोली ही आपने बनाया है, ठीक है? हाँ इसमें आपने क्या क्या यूज किया बताइए, सब कोई सुनेंगे हम लोग। मसूर का दाल दिख रहा है। हाँ जी बोलिए। मैंने पहले कंपास से इसको ड्रॉ किया जी जी, फेविकॉल से जो ब्लू दिख रहा है ना उसमें थ्रेड यूज किया, जो कॉटन पे थ्रेड यूज करते हैं ना हम लोग। वाओ अच्छा वेरी गुड। ब्लू कलर वाले ये थ्रेड यूज किया, फिर उसके बाद ये जो अंदर का पार्ट है येलो उसमें सरसों येलो सरसों यूज किया, फिर उसमें जो लाइट येलो है उसमें मूंग दाल मैंने यूज किया जी बिल्कुल। और फिर ये जो ग्रीन है वो खड़ा मूंग और वो मसूर दाल है ये ऑरेंज कलर का। वेरी गुड चलिए बहुत अच्छा आपने सुंदर से इतना, देखिए सुनने में बहुत आसान तो लगता है मगर करने के लिए बहुत कॉन्सेंट्रेशन का जरूरत होता है। आपका ये धागा यूज करने का जो दिमाग आपने लगाया ये बहुत ही मतलब अच्छा है। और मतलब जो भी है आपका जो आइडिया आपने यूज किया बहुत हमको सुंदर लगा। असल में क्या है देखिए ये सब चीजें जो है ऐसे तो बेसिकली देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है को उबाल के खा लेना जितना आसान है जितने भी दाने आपने यूज किए जी उसको इतना सुंदर से सजा के एग्जीक्यूट करके एक आर्ट का एक ये बना के प्रेजेंट करना बहुत आसान चीज नहीं होता है। और
सबसे बड़ा चीज है आपका कलर कॉम्बिनेशन का सेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, मेरे पास कल अवेलेबल भी नहीं था, यहाँ बंगाल में हम बैठे हुए हैं, लगातार लॉकडाउन अभी भी जारी है, मतलब कंप्लीट लॉकडाउन। तो जैसे आप जॉब मिलता है ना, जॉब जैसे वो मिलता है, फिर आपका जैसे पूजा इसमें उसमें जैसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूजा भंडार में आपको हाँ थोड़ा बहुत क्वांटिटी में मिल जाएगा। मतलब आपको मैं बोल रही हूँ, आप सबके लिए भी बोल रही हूँ कि वहां से थोड़ा सा धान और ये अलग से आप लोग ले ले तो उससे भी कितना सुंदर से है, माने आपका यही जो चीज है उसमें तरह तरह का बन सकता है, उसमें वो कलर भी गेहूं कलर सब यूज हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया काम है, और इसको जब मैं स्लाइड में और एक बार लाऊंगी तो इसके बारे में और बहुत कुछ कहूंगी। मुझे इतना तो मालूम चल गया कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, एक काम में थोड़ा बहुत में ही झलक रहा है कि आपका कलर कॉम्बिनेशन का सेंस भी बहुत सुंदर है। आगे कार्य करते रहे, अच्छा लगता है। और ये क्या है ना, हम लोग दिन भर में जितना समय काम में गुजारते हैं बोर होते हैं, काम करते करते भी बोर होते हैं हम लोग। बोर नहीं होती मैं, कंटिन्यू पूरे लॉकडाउन में मैंने यही सब किया है। तो आप कैसे होइएगा, मुझे कोई कोई बोल रहा है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि इतना खराब लग रहा है क्या 24 घंटा इस तरह, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। क्योंकि एक चीज देखिए, आप सहमत होंगी इसके साथ, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व जो भी होते हैं, देखिए जो कविता लिखते हैं, गाना गाते हैं, या तो तस्वीरें बनाते हैं, नृत्य में जो थोड़ा सा रुचि रखते हैं, उन लोगों को ये लॉकडाउन पॉजिटिव ही लगा होगा। नेगेटिव उनको लगता है जिनके अंदर सृजनशीलता जो है, उनके अपने साथ सृजनशीलता भी शो जाता है, उनको बोरिंग लगता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चीज जो है, इसको आप जितना हो सके इसको डेवलप कीजिए, हाँ बहुत अच्छा है, इससे मन का एक ये मिलता है, मन का थोड़ा सा फीडिंग हो जाता है सच पूछिए तो। और वही मैं जो बात कर रही थी कि हम लोगों को दिन भर में जो टाइम मिलता है उसके बीच जिस समय ये सब काम हम लोग करते हैं, वो एक रिलैक्सेशन होता है हम लोगों के लिए। और मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पता नहीं प्रेशर लगा होगा या नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा सब्जेक्ट किसी पर प्रेशर ना बने, क्योंकि खुशी खुशी ये काम कीजिएगा तभी हमको भी खुशी मिलेगा कि हाँ चलो मेरे चलते किसी को प्रेशराइज फीलिंग नहीं हुआ। जैसे मैं आपको 8-8:30 बजे तक का दायरा दी थी टाइम का, कोई कोई काम मेरे पास 12 बजे भी आया, क्योंकि मुझे पता है कि फुर्सत निकाल के लोगों ने किया है। तो इसके लिए मैं अगर नहीं 8 बजे तक जो नहीं आया उसको लेना नहीं है, मैं कर देती तो ये आपके लिए ऊपर प्रेशर बनता, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और आगे ये स्लाइड फिर से मैं लाऊंगी एक बार, है ना, ठीक है। आप ये कीजिए, थैंक यू। आगे का स्लाइड हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये किन का काम है मैम? ये भी मेरा ही है मैम। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कल मैं मंडला के बारे में बात कर रही थी ना, ये भी एक मंडला भी है, लेकिन ये मैंने कुछ माइंड से बनाया, देख के कहीं से नहीं बनाया। नहीं नहीं हम समझ रहे हैं, वो तो डिजाइन देख के हम लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि देखिए मेरा एक है 3.5 साल के उम्र से मैं ड्राइंग सीख रही थी, ठीक है। उसके बाद मैं आर्ट कॉलेज गई, मेरा रैशन पैशन सब कुछ यही है। तो बार बार जो मैं कहती हूँ ना कि जो सेल्फ इन्वेंटेड चीजें होती है अपने से किया हुआ, वो तो मुझे एकदम से स्ट्राइक करता है। और बहुत सुंदर आपका मैंने टोटल प्रेजेंटेशन ही बहुत सुंदर है, ठीक है। थोड़ा सा आप चुप कर रही हैं, इससे और परफेक्शन आपका आ जाएगा। अच्छा, आप थोड़ा सा, ये तो आप पेन वगैरह यूज की है ना? यस, जी। ब्रश यूज करती हैं? यस मैम, ब्रश मैं बेडशीट वगैरह बनाती हूँ तो उसमें यूज करती हूँ। वाओ, आप तो हाँ वेरी गुड, क्योंकि एक बेडशीट मैंने अभी पूरे लॉकडाउन मैंने कम्प्लीट किया तो फैब्रिक वगैरह करती रहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सुनिए ना, थोड़ा सा पेपर में आप ना ब्रश वर्क थोड़ा सा करके छोटा मोटा हमको कभी सेंड कीजिएगा ना, है ना, देखने का मन हो रहा है। बहुत सुंदर है आपका काम, करते रहिए आप, इसमें लगे रहिए, बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है ना। देखिए पढ़ाई और ये सब तो अपना जगह, और ये जो सृजनशील जगह है ये आपका माने आपको जिंदा रखेगा, ये एक टॉनिक के तरह काम करता है, आप महसूस करती होंगी इस चीज को, नहीं तो करती क्यों है ये सब, है ना जी। चलिए वेरी गुड, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, थैंक यू। अच्छा ये किन का काम है? ज्योति पेंसिल वर्क है, ज्योति सिंह का ही है। अच्छा अच्छा इन्हीं का, ज्योति सिंह, ज्योति सिंह हाँ वो है क्लास में जी। हाँ जी जी, आप अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए आपका ये ना इतना क्यूट लग रहा है, सब्जेक्ट बहुत क्यूट है, और खास करके ये फ्रेंडशिप डे का एक ये बन सकता है, इतना सुंदर आपका आइडिया है, बहुत सुंदर। और इसमें थोड़ा सा आपका नीटनेस बहुत है, थोड़ा सा माथा जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है दोनों का ही, है तो उसको थोड़ा सा अमल करें उस पर, वो आगे कभी भी बनाइएगा तो उसमें आप थोड़ा सा अमल कीजिएगा। और कहीं से आप आइडिया तो कहीं से मिला होगा ना आपको मैम? ये मंडाला वर्क और ये जो स्केचेस है ये हम फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में करें, और फर्स्ट टाइम में ही मेरा बना, हम कभी दूसरा अटेम्प्ट करे ही नहीं, जैसे तब हमको एहसास हुआ कि नहीं मेरा आर्ट अच्छा है, हमको ये कंटिन्यू करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी वो सीख रहे, इन प्रोसेस में है मैम, और हमको मतलब जैसे अपना कुछ बहुत सारा बना, अभी हम आपको कल एक सेंड करेंगे, वो हम थोड़ा सा खुद से बनाते हैं और खुद का थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं, जैसे मंडाला आइडिया है जो मैंने आपको सेंड करा, बस वो स्केच हम कहीं से दे, स्केच जैसे हम देख के बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो फिल करते हैं वो मेरा खुद का रहता है, अपना डिजाइन रहता है। जी, और आप आगे और कोशिश कीजिए। देखिए कभी कभी होता है ना, अपना हुनर जो है उसका एस्टिमेशन हम लोग कम कर लेते हैं, अपने आप को आंकते कम है, समझे? हमको लगता है आप अगर खुद से भी टोटल आइडिया और माने टोटल इन टोटल पूरा सोचिएगा अपने आप से, हमको लगता है बहुत बेहतर सोच पाइएगा, ठीक है? बहुत अच्छा। जो आप एग्जांपल दी वो सर का, जो बंगाल में आके अपना मतलब जो वो आर्ट सीख के आए थे फॉरेन कंट्री से, उसको एकदम छोड़ के फिर से वो एक न्यू चीज सीखे और फिर वो अपना खुद का वो इनोवेशन किए, और वो फिर वो आज भी इतने फेमस है, बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हमको कल आपकी बात है ना। जामिनी रॉय का हम बता रहे थे शायद, हाँ जामिनी रॉय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे पास एकदम टाइम नहीं है, हम लोग का फेस्टिवल्स होता है कल, लेकिन हम कल से बैठे, मैं बोले नहीं आपको एक और आर्ट दिखाएंगे हम खुद से बना के, जो आप कल बताई कि ये थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, तो कोशिश की है कि जो हम आज आर्ट बना रहे हैं जो आपको मैं सेंड करेंगे उसमें मतलब वो कमी ना रहे। और बिल्कुल, और इतना अच्छा लग रहा है थोड़ा ये मधुबानी, ये हम फर्स्ट टाइम मधुबानी ट्राई कर रहे हैं मैम, मधुबानी कर रहे, लेकिन हम अपूर्वा का देखते थे तो काफी अच्छा लगता था, लेकिन हमको उसका आर्ट के बारे में पता नहीं था, हम एक्चुअली डिस्कस नहीं कर पाते, और हमको मतलब हमें रुचि थी शुरू से, एक मैम थी जो अभी शिकागो में है, उनसे थोड़ा बहुत सीखे थे जब स्कूल टाइम में थे, 8-9 में थे, लेकिन वो फिर शिकागो चली गई तो हमको इतना सीखने का नहीं मिला, फिर स्टडी इतना हावी हुआ कि ये चीजों से बहुत दूर चले गए, लेकिन क्वारंटाइन का बहुत हम मतलब बहुत ज्यादा कि मतलब हमको मेरे जो चीज से ये चीज से हमको रूबरू कराया, और ये चीज मैम इतना मेरे ऊपर हावी हो गया कि हम पूरा दिन कुछ नहीं करते, ना नहाते ना खाते पीते, बस पूरा का पूरा दिन मेरा एक ही टारगेट रहता है, हमको स्केच ये वाला एक दिन में कम्प्लीट करना है। वेरी गुड, चलिए बहुत सवाल हो गया, मेरे फैमिली एकदम मतलब बोलती है तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो बेकारी बीएड कर रही हो, तुम्हारा स्केच, और मतलब वो जो खुशी होता है जो बनने के बाद जो स्केच तैयार होता है ना वो खुशी मतलब मिलियन डॉलर खुशी होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन करके। देखिए एक चीज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, झासर भी सहमत होंगे इस चीज से, जैसे वर्कशॉप हम लोगों ने जो भी किया
बहुत कठिनाई के इसमें हम लोग मतलब इसको जैसे तैसे करके वर्चुअली इसको अरेंज किया गया, लेकिन ये जैसा तैसा अरेंजमेंट जो है इतना सुंदर से देखिए जोड़ दिया हम लोगों को। और सबसे बड़ा चीज है कि तो अंदर में रहने वाला जो चीज है उसको आप लोग कर रहे थे, और मुझे ये लगता है कि हम लोग जो बैठ पाए एक साथ, तो हम जितना एक्सपीरियंस मेरा इन 5 दिनों में जितना संभव हो सके हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, और कहीं ना कहीं अभी आप जो कहे कि कल का कहा हुआ चीज आपको इंस्पायर किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक फीडबैक है कि हमने जो जो एज स्टोरी आप लोगों को बता रहे थे वो आपके दिल तक पहुंचा। ठीक है, ये एक वर्कशॉप में बस यही होना ही चाहिए कि वर्कशॉप भले ही एक दिन का हो या 5 दिन का या 6 दिन का, उसका एक वो एक माइलस्टोन बने आपके जिंदगी में। कोई भी वर्कशॉप कीजिए, आज फाइन आर्ट का सिर्फ नहीं, आप कोई भी वर्कशॉप कर लीजिए, एक वर्कशॉप को सीरियसली अटेंड करना मतलब वो जिंदगी में एक माइलस्टोन बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जारी रखिएगा, और उम्मीद है कि अच्छा से बैलेंस करके ही हर किसी चीज के साथ इसको साथ में लेके चलिए। इट विल बी ऑक्सीजन फॉर यू बेसिकली, जानते हैं ये एक ऑक्सीजन ही होता है जो जिंदगी में ना रंग भर देता है। कोई भी सृजनशील कार्य है वो आपके ऑफ टाइम में आप जो करते हैं, माने उदाहरण के तौर पर मैं कहती हूँ, मेरा बेटा जो है वो मेडिकल स्टूडेंट है, उसको मैंने बचपन में जैसे वो देखे हम इसी लाइन के हैं तो सीखा, 7th ईयर तक कंप्लीट भी किया, सब कुछ किया, मगर उसका रुचि रुझान है इसमें आपका पखवाज बादल में। ठीक है, वो उसको एमेचर जगह से पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेकर के सीख रहा था, तो साइमल्टेनियसली अभी वो दोनों स्ट्रीम में कर रहा है। यही चीज अगर उसका रुचि ना रहने वाला कोई स्ट्रीम हम उसको जबरदस्ती थमा देते तो नहीं कर पाता, मतलब वो बजाना चाहता है और हम उसको ड्राइंग में थोप देते तो नहीं कर पाता, लेकिन वो अब उसमें रुचि रखता है, तो उसका जो अब क्लासेस करके जब थक जाता है तो पखवाज लेके बैठता है। तो आप लोग भी जैसे क्लास कर करके थक गई, घर में कोई ये है काम वाम करके थक गई, तो देखिए ये रिलैक्सेशन होगा। हाँ, ये चीज आप लोग लेते चलिए, और बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोगों का काम। हम बोले ना कि इतना डेवलप्ड अच्छा काम ये 2-3 दिन में मुझे मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चलिए आगे का प्लेट हम लोग देखते हैं, ये किनका है, नाम है, रुकिए। पूजा कुमारी। पूजा जी, पूजा कुमारी, पूजा आप हैं क्लास में? है पूजा, पूजा आप क्लास हेलो। में हैं? पूजा आप क्लास में है क्या? काइंडली हाथ रेस करिए। हाँ है, चलो ओके जी, मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। पूजा हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका काम देख के तो दिल खुश हो गया मेरा, सही में बहुत थैंक यू सुंदर। मैम। आपको कल हम कुछ कुछ बोले थे, आपने उसको लग तो रहा है कि फॉलो किया है। फेस का स्ट्रक्चर आपका देखिए पहले से काफी बेहतर है। आपको कितना लाभ मिला बोलिए, जो हमने कितना जो डायरेक्शन दिया था उससे। हेलो। मैम बहुत लाभ मिला। अच्छा, हाँ मैंने मैम, बहुत ओके लाभ मिला। थैंक यू। असल में देख के ना एक चेंज हमको महसूस हो ही रहा है। आप खुद अगर पिछला वाला प्लेट हम लोग देख सकेंगे, आपका थोड़ा सा हमको पीछे जाना होगा। अच्छा, उसको हम ट्राई करते हैं, रुकिए कैसे जाएंगे फिर। अच्छा नहीं जा पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो मेरा बोले ना, मेरा फोन थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है, तो आपका वो जो पिछला वाला ड्राइंग था पिछले दिन का, उसमें फेस में जो स्ट्रक्चर और प्रॉब्लम था वो एकदम बिल्कुल चला गया है। ठीक है, मैंने आप खुद भी महसूस कर रही होंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी डेकोरेटिव ब्राइट। और एक चीज देखिए ना, जो कॉन्फिडेंस अभी आपके है आपके अंदर आया है एक दिन का जस्ट वर्चुअल डायरेक्शन, मतलब ये चीज हम महसूस कर रहे हैं ड्राइंग पेंटिंग का क्लास में वर्चुअल क्लास में ज्यादा असरदार भी हो रहा है। तो
इसका मैं आपको भी कह रही हूँ, सबको कह रही हूँ, जो जो टीचर बनने वाले हैं और हम लोग भी जानकारी माने आपस में शेयर कर रहे हैं, जो लोग फाइन आर्ट के टीचर है वो लोग, कि देखिए होता क्या है, मैं अगर आपके सामने क्लास में खड़ी होती तो आपको कोई चीज नहीं आ रहा होता तो तुरंत कॉपी लेके आप मेरे पास आती कि मैम थोड़ा सा दिखा दीजिए, और हम भी पेंसिल लेके आपको दिखा देते, तुरंत दिखा देते। बीच में क्या होता, आपका ड्राइंग जरूर बन जाता लेकिन आप नहीं बनाती, मेरा प्रैक्टिस बढ़ जाता, है ना। अभी क्या है, आपके बगल में हम नहीं है, दूर से हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप उसको समझने का कोशिश कर रही हैं और उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रही हैं, तो क्या हो रहा है, जो भी आप कर रही हैं खुद कर रही हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ रहा है। मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, जब हम लोग बचपन में ड्रॉइंग सीखते थे, हम जिनके पास अपना बोले तो इस रास्ते में चलने के लिए पहले उंगली पकड़ के जिन्होंने रास्ते में मतलब तो इस रास्ते चलाए थे रास्ते से, गोपीनाथ दास सर जो थे हमारे, तो वो एक चीज करते थे जब ड्राइंग देते थे ना, माने उनको लेकर के उस समय हम लोग बहुत माने मजाक करते थे कि वो ड्राइंग दे करके ना एकदम जहां बैठते थे आंख बंद करके बैठ जाते थे, बनाओ। अच्छा फिर हम लोग बनाते थे तो एक बार सर थोड़ा देखिएगा बोलने से वो देखते थे ड्राइंग, अरे इसको ऐसा किया ना तो इसको ऐसे करके देखो और ऐसा करो और ऐसा करो, हम लोग सोचते थे हाथ निकाल के दिखा क्यों नहीं रहे, हाथ ऐसे मतलब जैसे विवेकानंद स्टाइल जो हम लोग बोलते थे, हाथ ऐसे मुड़ करके बैठे रहते थे। और लास्ट में जब सब हो गया, हम लोग जितना तहस नहस करना था कर लिए, बचपन की बात है, साढ़े तीन चार साल का बच्चा कितना करेगा, तो लास्ट में जब देखते थे कि हाँ इससे जितना करना था हो गया, तब जाके वो फिनिशिंग दिखाते थे, ठीक है। तो हाँ तो उससे क्या होता था, हम लोग कोशिश करता फिनिशिंग में अगर उनको ज्यादा करना पड़ता था ना तो बोलते थे अच्छा ड्राइंग तो लग रहा है हम ही बनाए, इतना देर से जो हम करेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे के दिमाग में रहता था कि अगले दिन हम इतना दूर करके दिखाएं कि उनको खटना कम पड़े, फिर इतना दूर करके दिखाएं कि किसी दिन वो बोले अरे हो गया है इसमें मुझे टच नहीं करना, वो मेरा टारगेट बनते चला गया, ठीक है। तो अभी देखिए होता क्या है, आज के डेट में बच्चा को अगर कॉपी में आप दिखा के नहीं दीजिएगा तो गार्जियन भी बोलेंगे आप तो अटेंड ही नहीं किए बच्चे को, लेकिन वो कुछ हद तक जो है खास करके मेरे सब्जेक्ट में गलत भी है। हम आपको दिखाएंगे जरूर, बगल में दिखाएंगे, आपके ड्राइंग में करेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर ऐसा करके छोड़ देंगे तो गार्जियन आके बोलते हैं कि नहीं आपने तो दिखाया ही नहीं। आज के डेट में हुआ क्या, हम लोग जैसे टीचर हैं, हम लोग बोल करके आपको कोशिश करवा के करवा रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि सीखे आप, प्रैक्टिस मेरा हो ये मेरा मकसद नहीं है, समझे ना। तो बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस, माने सच में कल का जो भी आपका ये काम देख करके तो सही में मेरा बहुत दिल खुश हो गया, और इस तरह आप और कीजिए, ठीक है, बहुत ही सुंदर हो रहा है जी। और आप इसके अलावा भी एक शायद भेजी है ना, यस मैम, एक और गणित मोहन जी का गणेश, ये भी सुंदर है, थोड़ा सा इसमें ना आप स्केच पेन से की है ना, हाँ तो स्केच पेन जी, स्केच पेन का जब कलर करें तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्ट्रोक्स जो है अंदर वाला उसमें वो व्हाइट एरिया कम दिखे थोड़ा सा, ठीक है, उसको और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अच्छा लगेगा। और ये जो इनका जो पेट है बड़ा वाला, उसको एक डायमेंशन का जरूरत है, थोड़ा फ्लैट लग रहा है, तो दोनों तरफ से थोड़ा सा योलो को दोबारा अगर कीजिएगा ना तो बीच में थोड़ा सा व्हाइटिश योलो रह जाएगा, उससे पेट ना पूरा गोल लगेगा और अच्छा लगेगा। हाँ सूंड में भी उसको इस्तेमाल कीजिए दोनों तरफ से और बेहतर होगा, ठीक है, वेरी गुड, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट प्लेट में चलते हैं, ओके बाय। अच्छा ये कौन है, नाम तो खुशबू, हाँ जी खुशबू कुमारी, जी जी खुशबू कुमारी है क्लास में, खुशबू आप क्या क्लास में है, उपस्थित है खुशबू कुमारी, हाँ है, हेलो खुशबू अनम्यूट हो गई है जी, हेलो खुशबू जी, हेलो, हाँ हेलो, आप सुना, आपको सुनाई दे रहा है, हेलो,
हाँ हेलो बोलिए, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो खुशबू, आप अपना ईयरफोन अपने मुंह के पास ले जाइए और मोबाइल का साउंड थोड़ा बढ़ाइए, आपकी आवाज एकदम 0% आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम आज नहीं जा रहा। हाँ समझ रहे हैं, आप मुझे सुन पा रही है ना? हाँ या ना बोल दीजिए। मैं गुड मॉर्निंग, ओके गुड मॉर्निंग बेटा। मैं खाली अपना मैं बोल देती हूँ, उसके बाद आपको ये कीजिए, ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम के साथ हमें जूझना है, ये भी है। अच्छा, आपका काम जो है हमको ना सच पूछिए काफी क्रिएटिव लगा, ठीक है? आपका सिर्फ एक थोड़ा सा मैं बताती हूँ, जिसको आप थोड़ा सा ओवरकम कीजिएगा तो और बेहतर होगा। दैट इज प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम, जो मैं उस दिन बोल रही थी स्थानांग प्रमाणांग में, प्रमाण जो एक तस्वीर में कौन सा चीज का कितना साइज होना चाहिए, उसका थोड़ा सा आइडिया। तो आपका देखिए आसमान में ये पंछी है शायद, हाँ, उसका जो साइज है उसके हिसाब से मुझे लगा पहले ही देख करके कि आप थोड़ा ऊपर से इस तस्वीर को देख रही हैं, क्योंकि बर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है? अगर हम लोग यही एंगल देखने का ले लेते हैं, मानिए आप एक एरोप्लेन में है, ठीक है, और ऊपर से नीचे को देख रही हैं, ऐसा एक ये कीजिए। हालांकि एरोप्लेन जब उतना ऊपर उड़ जाता है तो इतना सब कुछ नहीं दिखता, लेकिन हम इसलिए जी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसको जो आपने बनाया, इसको विहंग चक्षु या तो बर्ड्स आई व्यू बोला जाता है, ठीक है? आपने जो बनाया, आप अनजाने में बनाई, मुझे पता है जो दिख रहा है मैं वो कह रही हूं। एक होता है आप जो देख रही हैं, आपका आई लेवल पे वो रहे, जो दिख रहा है आमने सामने, एक आदमी के साइज का ही है, उसके बगल में उससे बड़ा पेड़ है, ठीक है? ये चीज आप जब सीधा सीधी आई लेवल पे चीजों को देख रही हैं तब वो दिखता है, लेकिन जब आपको आसमान में पंछी आदमी से ज्यादा बड़ा दिखे, दैट मीन्स आप ऊपर से देख रहे हो, समझ गई ना? तो अनजाने में ही सही आप एक बर्ड्स आई व्यू बना चुकी हैं, ठीक है? और इस हिसाब से अगर आप देखती हैं तो आपका ड्राइंग में सिर्फ एक थोड़ा सा करेक्शन अगर आप कर लेती हैं, जरा सा वो जो फिगर है उसका माथा को जितना बनाई है उससे और थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि बर्ड्स आई व्यू में आदमी का सर लगेगा बड़ा और पैर लगेगा पतला, ठीक है? आपका हो क्या रहा है, जहां फिगर तक आके लग रहा है आपने आई लेवल पे, क्योंकि आप आई लेवल का ही आइडिया लेके शुरू की थी। अच्छा, पेड़ अगर आई लेवल पे आप देखती हैं तो पेड़ आपका थोड़ा ज्यादा है, तो वो पेड़ का साइड तो नाटो नाटो ना दिखेगा, समझ रही है? तो इस एंगल से आप इस बर्ड्स आई व्यू को ही लेकर के काम करें, इसी को हम तो कहेंगे आप इसमें क्या इस्तेमाल की है, स्केच पेन से या वाटर कलर से की है हमको लग रहा है ना? हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है जो भी है, लेकिन आपका टोटल एप्लीकेशन मुझे मजा आया बहुत देखने में। इसको आप थोड़ा सा ना वो थोड़ा जो करेक्शन हम करने बोले सर को थोड़ा बड़ा कर दीजिए और देखिए मजा आएगा कॉम्पोजिशन में। और आगे हो सके तो आज ना इस तरह का और कॉम्पोजिशन आप कीजिए, थोड़ा सा कहां से देख रही है उसको क्लियर करके, और आप बर्ड्स आई व्यू जरूर ट्राई कीजिए, आप सक्सेसफुल रहिएगा इसमें, ठीक है? कोई कोई होते हैं जिनका देखने का माने व्यू पॉइंट ही अलग होता है थोड़ा सा, कोई भी चीज को देखने का, तो उनमें से आप एक है। थोड़ा सा आप इसमें अमल करके बर्ड्स आई व्यू से ही चीजों को बना के थोड़ा सा एक ड्राइंग और करके। हेलो, कुछ आप बोल रही हैं? कुछ आवाज आया? अच्छा, अगले प्लेट पे चलते हैं हम, उनके साथ हमको लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है नेटवर्क का, है ना? चलो, ये किन का है? पल्लवी राय है, पल्लवी राय, पल्लवी, हाँ वो है क्लास में, देखिए।
पल्लवी है क्लास, हाँ पल्लवी अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए आपका ड्राइंग बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मधुबनी का इमेज इसमें हमको लग रहा है ना, जो डिजाइन आपने बनाया, क्या आइडिया लेके कैसे बनाई बोलिए। मैम मैं तो पिक्चर देख के बना दी। कहाँ से देखी ये वाला मधुबनी का कुछ आइडिया, मतलब मधुबनी ओरिएंटेड ही तो है पूरा लग रहा है। हेलो। हाँ ये पिक्चर डाउनलोड किए थे। सुंदर है तो इसको, हाँ हाँ समझ गई मैं, तो इसको आप एक काम कीजिए, देखिए मधुबनी का अगर आप स्टाइल को लीजिएगा ना, और दो तीन चीजें हैं, जैसे आप साड़ी में कर रही हैं तो उसका एक बॉर्डर बनता है, साड़ी में तो बॉर्डर मतलब उस तो जाहिर सी बात है कि उसका एक बॉर्डर रहेगा, और दोनों तरफ बॉर्डर और बीच में डिजाइन वगैरह रहता है, और एक आता है वॉल हैंगिंग जैसे हम लोग करते हैं उस तरह का एक रहता है, ठीक है। तो उसमें एक देखिएगा उसका सीमा रेखा बनाया जाता है जिसको हम लोग मार्जिन कहते हैं, ठीक है, और उस मार्जिन का भी एक बहुत सुंदर सा टेक्निक है हम, लेकिन देखिए आप जो चित्र को देख के बनाई वहां पर उसको मैं नहीं बोल रही हूं, मैं अपना आइडिया आपको थोड़ा सा दे रही हूं, इसको करके आप देखें तो उसका जो बॉर्डर लाइन है आप मधुबनी का और थोड़ा सा प्लेट ज्यादा थोड़ा सा देखिए, दूसरे प्लेट से आप देखिएगा कि उसमें जैसे मार्जिन बनाया जाता है डबल लाइन से, ठीक है, दोनों लाइन ऐसे करके दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप, फिर एक डबल लाइन से एक मार्जिन कंप्लीट होता है, और ठीक बीच में कुछ मोटिव्स रहते हैं, कमल का फूल हो, पत्ता हो, हाँ, तो वो सब मोटिव्स को इस्तेमाल करके इसी पंछी को थोड़ा सा छोटा में आप बनाई, और चारों तरफ उस बॉर्डर को दे करके आप एक वॉल हैंगिंग डिजाइन बना सकती है, या तो और छोटा में बना करके क्राफ्ट का कोई सामान आप बनाइए, जैसे पेन स्टैंड बनाइए, ठीक है, तीन कोना वाला पेन स्टैंड आप कोई भी बोर्ड से, या तो कोई भी आपके पास अगर पुराना डिब्बा हो जिसको आपको फेंकना है उस तरह का, इससे अगर गोल या तो चौखुट कुछ बनाती है तो उसके ऊपर आप तीनों दिशा में मतलब तीनों साइड जो उसका बन रहा है तीनों साइड में इस तरह का तीन मोटिव डालिए, मतलब ये पंछी है, दूसरा कोई दूसरा कलर का पंछी, तीसरा कलर का पंछी, या तो एक में कोई फिगर डालिए, या तो एक में खाली फ्लावर फोलिएज का ही डिजाइन बनाइए, एक में खाली पंछी डालिए, इस तरह तीनों साइड में तीन टाइप का मधुबनी का ये बना के आप करके देखिए। मधुबनी का मैं तो कहूंगी कि इतना ज्यादा डेकोरेटिव होता है, आप अगर टेबल पे उसको रखिएगा ना, कोई भी रूम में आएगा देखिएगा सबसे पहले वो टेबल का वो चीज ही दिखेगा उसको, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन आंख को खींचता है, ठीक है, और एकदम पूरा फेस्टिव बना देगा उतना छोटा सा एक चीज को। और इसको मैं कहूंगी आप ऐसा भी कर सकती है, अगर क्राफ्ट का कोई चीज आप लोग का तो क्राफ्ट का शायद अलग सबमिशन होता होगा ना। हेलो। हेलो। यस मैम। जी क्राफ्ट का आप लोग अलग सबमिशन करते हैं, क्राफ्ट का अलग सबमिशन होता है, हम लोग बोर्ड के लिए कुछ बनाते हैं बस और कुछ नहीं। अच्छा आप ना थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, अगर आपसे संभव हो तो जैसे मैंने कहा कि इस तरह अगर आपने पेन स्टैंड वगैरह कुछ बना रही है या तो मोबाइल स्टैंड बना सकती हैं, ठीक है, उसको बना करके आपको जो कॉपी में उसको चिपकाना नहीं है, आप उसका एक फोटो ले लीजिए, अभी तो मोबाइल का फोटो जैसे आता है उसका एक या तो फोटो कॉपी बना लीजिए या कुछ करके उसको आप जरूर इसमें सबमिट कीजिए आपका कॉपी में, ठीक है, असल में पूरा का पूरा मोबाइल स्टैंड को वहां चिपकाइएगा तो कॉपी फूल जाएगा, तो उसका फोटो लेकर के उसको आप उसमें चिपका दीजिएगा, ठीक है, उसको बनाइए जरूर आप मधुबनी से, बहुत आपको खुद को अच्छा लगेगा बना करके, और आप कुछ ऐसा मेटेरियल से उसको बनाएं ताकि उसको कुछ दिनों तक आप रख सके, हाँ, और उसको मतलब देख भी सके और दिखा भी सके लोगों को, ठीक है, जरूर बनाइए, बहुत सुंदर आपका बना है, खास करके इसका जो पूछ है ना पंछी का, इतना सुंदर इसमें अपने टेक्सचर डाला हुआ है,
बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा बना। अच्छा ये किनका है? ये भी मेरा है। आप ही का है, अच्छा चलिए। एक चीज सुनिए, ये जो नीचे राधा कृष्ण आपने लिखा है, अगर आप नहीं लिखती तो भी हमें पता चलता, समझी? यस मैम। मैंने उस दिन एक बात चला था कि पोस्टर जब होता है उसमें लिखा क्यों नहीं जाता था, ठीक है? आप ये सोच रही हैं कि हमने लिख दिया क्लियर हो गया, आप सोचिए हमें तो पढ़ने मतलब हिंदी स्क्रिप्ट से हम परिचित हैं, ठीक है, हम अगर ऐसे कोई होते तो आपको अलग से पूछते नीचे कुछ लिखे हैं का, ये तो हम जरूर पूछते, ठीक है। सबसे पहली बात ये इतना क्लीन एंड क्लियर है, उसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं था, आप वहां पर कलर से ही और थोड़ा सा सुंदर से उसको करके कंप्लीट करती ना, और बैकग्राउंड में थोड़ा सा अच्छा। अब आप देखिए मधुबनी का जैसे आप रुचि ले रही हैं, तो आप ये वाला काम में पीछे मधुबनी का मोटिव थोड़ा सा डाल सकती हैं, वो फूल पत्ता और पंछियों का खूब लाइट ग्रीन से, तो उससे बैकग्राउंड भर भी जाएगा और माहौल भी बन जाएगा बहुत सुंदर, ठीक है। और आप इसमें लिखी है कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आप अगर बिना लिखे आप लोगों को समझा सकिएगा कि आपने बनाया क्या है, तो तब पता चलेगा कि आर्ट को आपने लैंग्वेज मान लिया, क्योंकि आर्ट ही ऐसा लैंग्वेज है जो दुनिया में सबको समझ में आता है, ठीक है। बहुत सुंदर है, और आप लोग ये जो कर रही है यही मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा रुचि लेकर के इतना हद तक अपने इन दिनों करके हमें दिया देखने के लिए, और स्लाइड शो जो हम लोग देख रहे हैं सबका, इतना अच्छा हमको लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा सबका काम इस तरह देखने मतलब देखा जा रहा है, बहुत सुंदर आपका भी काम हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और इसको थोड़ा मधुबनी इसमें डालिए, समझे ना, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। जी जी ठीक है, थैंक यू, आगे चलते हैं। अच्छा ये किनका? अपूर्वा, हाँ अपूर्वा, वाटर कलर की है। हेलो अपूर्वा जी, जी 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 अपूर्वा है क्लास में? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बहुत सुंदर आपने बनाया है, स्ट्राइकिंग, आपका कॉम्पोजिशन सेंस भी बहुत सुंदर है। थैंक यू मैम। कुछ डिस्टर्बेंस सही में बहुत सुंदर है, और एग्जीक्यूशन का सबसे अहम चीज जो वाटर कलर का है वो आपने बहुत अच्छा निभाया उसको, वो है फ्रेशनेस को मेंटेन करना, ठीक है। वाटर कलर का फास्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है कि आखिर तक ड्रॉइंग आपका फ्रेश रहे। यस बेसिकली ये, हाँ ये क्यों गंदा हो जाता है आप बोल सकती हैं कि क्यों वाटर कलर एप्लीकेशन में अल्टीमेटली गंदा मैक्सिमम का हो जाता है, क्यों होता है बोलिए तो? वो हम लोग कितना उसको वेट करना है वो अक्सर हम लोग को समझ नहीं आता, और कंट्रोल हम मतलब कलर्स का कंट्रोल यूजुअली खो जाता है इस वजह से, क्योंकि मेरे साथ वही होता है यूजुअली, कभी वाटर ज्यादा हो जाता है तो एग्जैक्ट पता नहीं चलता। ठीक, और ये जो पानी ज्यादा हो जाने से देखिएगा सेम कलर कॉम्बिनेशन में भी एक अजीब सा डार्टीनेस वो पैदा हो जाता है। yes, ma'am. एक थोड़ा सा चीज मैं और इसमें आपको बोल दूं, क्योंकि आपके पास काफी हमको लगता है आप जितना नॉलेज जो भी है गेन करती हैं कहीं से भी पढ़ती हैं जरूर और महसूस करती होंगी ज्यादा। yes, तो इसीलिए मैं ये आपको कहना जरूरी भी समझ रही हूँ और आपको कह रही हूँ, मतलब सबको ही कह रही हूँ, सभी सुन ले इस चीज को। जैसे पानी जैसे ही ज्यादा हो जाता है, पेपर का जो फाइबर होता है, ठीक है, पेपर जब आप लोग पेपर मेकिंग जरूर पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ आइडिया तो जरूर होगा, कुछ रैग्स भी रहते हैं पेपर के अंदर, तो क्या होता है जैसे ही हम लोग पानी डालते हैं वो फाइबर जो है फूल जाता है, ठीक है। और जहां आप देखिएगा कोई एक पेज को आप फाड़ नहीं पा रही है उसको, पिछले दिन शायद आपको ही मैं कह रही थी कि थोड़ा सा वाटर से उसको थोड़ी देर तक गीला करके रख के फिर आप उसको स्केल के ये के दबा के फिर फाड़िए, ये मैंने आप ही को कहा था शायद। तो हाँ,
हम क्यों बोले थे वाटर से फाइबर को आपको सॉफ्ट करना था, जहां फाइबर सॉफ्ट हुआ उसके अंदर साइजिंग, दैट मींस पेपर मेकिंग के समय जो गम यूज किया जाता है पेपर में, वो साइजिंग आपका ये हो जाता है, वेट हो जाता है और ये लोग ढीला हो जाता है, आपस में जो बॉन्डेज रहता है वो ढीला हो जाता है और तब आप धीरे से उसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल यही होता है, जब आप लोग पेपर को वेट करते हो तो फाइबर के अंदर का साइजिंग भी हट जाता है, मतलब फूल जाता है और फाइबर अपने बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसके बाद जहां अपने उसके ऊपर ब्रश से कलर लगा, वो मिनिमम टच से ही उस समय फाइबर जो है उचड़ जाता है, मतलब अपने पोजीशन से या तो हिल जाता है या तो उठ के आपके ब्रश में चला आता है। तो पेपर का जो अपना बनावट है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। ये अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके अगर पेपर को देखेंगे तो उसमें एकदम पतला पतला फाइबर है, वो घास के तरह जरा जरा उठा हुआ भी कुछ कुछ पेपर का क्वालिटी में रहता है, एकदम जरा जरा सा फाइबर उठा हुआ है। जहां आपने पानी डाला फाइबर बेचारा पहले लेट गया, फिर फूल गया, फिर अपने जगह से हट गया और अल्टीमेटली वो जगह डाटी कर देता है। ठीक है, वाटर कलर का डाटी हो जाने का यही एकमात्र कारण होता है, जो आपने कहा कि पानी का क्वांटिटी हम लोग इधर उधर कर देते हैं और इधर उधर करने से क्या होता है वो मैंने आपको कहा। ठीक है, लेकिन आपका काम काफी सुंदर है और आप इसको जारी रखा कीजिए, क्योंकि सही में सही मायने में बहुत ही स्ट्राइकिंग है और आपका ये जो रुचि है ये देख के हमको और अच्छा लग रहा है कि आपको बहुत तरह तरह की चीजों में रुचि है और काफी हद तक आप उसको निभाती हैं बहुत सुंदर से। ठीक है, चलिए अभी आज के लिए तो हम लोग जरूर जरूर बोलिए। मैम, वाटर कलर में मेरा बिल्कुल भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था पोर्ट्रेट मेकिंग वाटर कलर का। तो मैम, फेस में हम कैसे शेडोज का ट्रांजिशन दे सकते हैं वाटर कलर से, एक बार अगर थोड़ा सा कुछ बता सके तो उस बारे में। अच्छा, इसमें मैं आपको कह दूं, फ्रेंच टेक्निक वाटर कलर जो हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम वाटर कलर में ना, ये जो फ्रेशनेस मेंटेनेंस जो हम लोग बोले, तो इसमें फ्रेंच टेक्निक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, देखिए सिंगल माने अप्रोच से भी बहुत सारे वाटर कलर्स बनते हैं, एक्सीडेंटल वाटर कलर्स, कुछ कुछ लैंडस्केप आर्टिस्ट है, आप पोरेश माइती रेफर कर सकते हैं। पोरेश माइती का आप जरूर एक बार इंटरनेट पे गो थ्रू कीजिए, उनका मैंने काफी अच्छा वाटर कलर, ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं, मेरे खुद के जो टीचर रहे गोपीनाथ दास वो वाटर कलर आर्टिस्ट ही थे, मगर वो बहुत मैंने उनका जब 45 एट दी एज ऑफ 45 वो गुजर गए, तो लेकिन उनका काम कुछ कुछ मेरे पास है, मैंने ब्यूटी टू लुक एट, लेकिन वो सिंगल अटेम्प्ट में वाटर कलर करते थे, मतलब एक बार में ही वो कलर चढ़ाए, एक बार में वाटर कलर सूख गया वो हो गया। और फ्रेंच टेक्निक वाटर कलर तीन टोन में होता है, जैसे फर्स्ट टोन सेकेंड टोन थर्ड टोन करके। ठीक है, तो उसमें एक चीज है, आपने जैसे ये चीज बनाया हुआ है ये फर्स्ट और सेकेंड टोन में लगभग आपने कंप्लीट किया, कुछ कुछ जगह आपको जरूरी लगा तो आपने टच किया तो वो थर्ड टोन बना, लेकिन आप लोगों का ये जो मुंह माने फेस जिस जो आपका बना उसमें देखिए आप जहां पर आपका ये बालों का ये कंप्लीट हुआ वहां एक लाइट सा एक टोन है, थोड़ा रेडिश हमको लगता है। हाँ हाँ, आंखों के ऊपर भी आपने डाला हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज को थोड़ा सा पैचिंग टाइप का आप अगर उसमें जैसे पानी हल्का सा लगा के आपने तो काम कर लिया, ड्राई होने के बाद आप एक काम कीजिएगा कि आपको जो कलर का पैचिंग करना है उसको लीजिए पैलेट में और उसमें पानी इतना क्वांटिटी में डालिए ताकि ब्रश से अच्छा से उस कलर को फेंटने के बाद ब्रश और मैंने एकदम फूल जाए पानी और कलर से, कलर क्वांटिटी कम लेकिन लेकिन इतना पानी के झरझर झड़े भी ना और पानी उसमें गिरे ना, उसमें से गिरे ना ब्रश में, आप पकड़ के रख सके उस पानी को। ठीक है, ये जब प्रैक्टिकल आप कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्रश फुला हुआ रहेगा एकदम, जिसको इसको बांग्ला में हम लोग ये शब्द को बोलते हैं टोईटुंगुर, जैसे एकदम फुला हुआ है, भरा हुआ एकदम। ठीक है,
इसका एग्जैक्ट हिंदी हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल, राइट, टहर भरा हुआ एकदम, वो चीज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जहां पैचिंग करना है उससे कीजिए। अब पैचिंग करने के बाद आपको लग सकता है कि कहीं स्टिफ हो जाएगा, मतलब क्या होता है, जहां आपने पैचिंग किया उसका एक कॉन्टूर बनता है, ये कलर सूखने के बाद वो कॉन्टूर अगर लाइन में तब्दील हो जाए जरा सा तो ये स्टिफ बन जाएगा। तो आपका ये एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको करना होगा, 10 काम बर्बादी होगा इसके चलते, कि आपका कलर क्वांटिटी क्या हो कि वो सूखने के बाद धागा जैसा ना बन जाए, लेकिन पूरा का पूरा पैच जो आपने डाला हुआ है पूरा पैच में हो रहे कलर और ज्यादा भी ना हो। पैच जहां से आप ब्रश टच करवाई वहां जरा सा ज्यादा, ब्रश खींच ली जरा सा कम, ऐसा होना चाहिए कलर क्वांटिटी। और अगर आपको करने के बाद लगे कि नहीं ये स्टिफ हो जा रहा है, जब पूरा सूखा नहीं मगर जरा सा बाकी है और आपको लग रहा है कि ये स्टिफ हो जाएगा, तो एक एकदम फ्रेश ब्रश लीजिए, पानी एकदम फ्रेश रहना चाहिए, पानी में डुबोइए, उठाइए, फिर ब्रश का जो एक्स्ट्रा पानी है हल्के हाथों से उसको एकदम से आप निचोड़ दीजिए। ऐसा मत निचोड़िएगा कि पूरा ब्रश का बाल निकल जाए, हल्का से उसको निचोड़िए, तो जरा सा डैम्प रहेगा ब्रश, तो उसको ले जाके कॉन्टूर को टच करके जरा सा उसके बगल से खाली ब्रश को घुमा दीजिए, तो क्या होगा, जो थोड़ा मोड़ा डैम्प कलर अभी भी है वो आगे स्किप कर जाएगा आपके दिया हुआ नया पानी से, वो आगे थोड़ा सा स्किप कर जाएगा, तो वो स्टिफ कॉन्टूर जो है ब्रेक हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, पूरा भारवली मैंने कहा, थोड़ा सा करके आप वर्कशॉप खत्म होने के बाद भी कभी भी भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हो सके तो कल तक अगर भेजिएगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। अच्छा चलिए, थैंक यू, इस तरह काम कीजिए, बहुत हम बोले ना आप लोगों का काम जो कल आया ना हम बहुत खुश हो गए थे। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके। चलिए इसको हम देखते हैं, ये क्या लास्ट था मेरा, नहीं ये किनका है, ये राय, हेलो, क्या नाम आधा डूब गया जी, नहीं समझ में आ रहा है सर। मैम ये मेरा है पल्लवी, पल्लवी का काम है, अच्छा वेरी गुड, वर्ली से आपने किया है, ये भी देख के बड़ी मजा आ रहा था हमको। अपना वर्ली का मैं एक कह देती हूँ, वर्ली भी आजकल साड़ी और कुर्ता वगैरह में, कमीजों में बहुत सारा आ गया है, तो इसमें थोड़ा सा वर्ली का एक ये वर्शन आ गया है, मतलब थोड़ा सा क्या बोलो, इसको तब्दील किया ये लोग अपने अपने स्टाइल में ढाला है इसको, तो आपने जो बनाया वो थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्ली बन गया है, मगर बहुत सुंदर आपका कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड बहुत सुंदर लग रहा है उसके ऊपर ब्लैक से आपने किया है। आप एक और ट्राई कर सकती हैं, जैसे थोड़ा सा डार्क ब्राउन पेपर लिए या इसी का थोड़ा डार्क टोन का पेपर लिए और उसमें व्हाइट ले लीजिए, व्हाइट के साथ जरा सा येलो मिक्स कीजिए, ताकि वो जैसे चंदन का जो हम लोग ग्राइंड करते हैं जो कलर आता है वैसा वाला कलर ले लीजिए, और डायरेक्ट ब्रश से आप इस फॉर्म को उस डार्क बैकग्राउंड के ऊपर करके देखिए, बहुत मजा आएगा उसमें भी, ठीक है। तो एक चीज आप खाली ध्यान दीजिएगा, जब आप वर्ली से कोई पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें ग्राउंड में जैसे एक लाइन आपने खींचा खाली, ओएवी लाइन एक है और उसके ऊपर फिगर को खड़ा कर दिया, आप ये टोटल एरिया को ग्राउंड क्रिएट कीजिए, टोटल एरिया में आप ग्राउंड के तरह ट्रीटमेंट कीजिए, उसमें घास बनाइए छोटा 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 उलो का, और थोड़ा डिटेल में जाइए वर्ली का तो आपको मिलेगा कि वो लोग ग्राउंड में, माने जैसे कि आप धान का वो लोग खेत जब दिखाते हैं ना तो एक एक धान बनाते हैं बैठ करके, ठीक है, तो उसको आप बनाइए। हाँ इसमें इसी में मत कीजिए, ये बहुत सुंदर आपने बनाया हुआ है, दूसरा किसी में ट्राई कीजिए इसको, ठीक है।
आप कभी भी, हम इस चीज को जरूर बोलते हैं कि जब कभी हम किसी इसके बारे में बोल रहे हैं, ड्राइंग के बारे में हम बोल रहे हैं, तो उस ड्राइंग को कभी ना आप उस पर इसको अप्लाई मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, ये ड्राइंग आपका गाइडलाइन रहेगा कि आप क्या बनाए थे और उससे कहां तक पहुंचे, खुद के लिए एक गाइडलाइन बनता है। और एक चीज है, जितना दिल लगा के जितना सुंदर बारीकी से आपने ये काम किया, इसको हैम्पर मत कीजिए। ये देख के भी मुझे ना बहुत सुंदर लगा था। हाँ, तो थोड़ा सा एक वर्ड, मतलब मेरा बेटा सप्लाई दिया जियोग्राफिकल मैप की तरह, ठीक है, वर्ली का ये बहुत सही एक शब्द दिया ये कि आपका वर्ली का जब आप पेंटिंग, कॉम्प्लीट पेंटिंग देखिएगा, उन लोग का ना पर्सपेक्टिव भयानक होता है। मतलब जो ग्राउंड बनाना शुरू किया ना, शुरू से एंड तक खाली ग्राउंड बनाते चला गया जियोग्राफिकल मैप की तरह, ठीक है, नो आसमान नथिंग। अगर पंछी बनाना हो तो फटाक से वहां आसमान जोड़ दिया, ठीक है। माने यही तो होता है, वो जो फोकट का मैं नहीं कह रही थी कि जो दिल में आया उसको डिपिक्ट करने का एक अजीब आसान तरीका, जो हम लोग जो शिक्षित हो जाते हैं ना, उन लोगों को फिर से उसको अवेल करना पड़ता है। और इन लोगों के पास वो चीज रहता है, क्योंकि उन लोग कभी फाइन आर्ट का अलग शिक्षा नहीं लेते। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे गंगा देवी के बारे में बात हो रहा था कि अपना नाम तक वो खुद से अच्छा से लिख नहीं पाती थी, उनका गंगा देवी लिखा हुआ जो सिग्नेचर मिलेगा ना, देखते ही आपको पता चलेगा प्रिलिमिनरी स्टेज का शिक्षा था उनका। मगर वो जो बना के चली गई, उसको पढ़ने में हमें बहुत सीखना पड़ा, शायद पढ़ भी नहीं पाए पूरा। तो ये एक ऐसा लैंग्वेज है ना, इस पर एक बार डूबिए तो डूबते चले जाइएगा। तो इसको आप वर्ली का और थोड़ा सा कंसल्ट कीजिए, और अगर नहीं हुआ तो आप एक बार व्हाट्सएप में मुझे नॉक कीजिएगा कि मैम हमको मिला नहीं, ठीक है, तो हम आपको जरूर एक दो प्लेट हम भेजेंगे आपको, तो आपको और आइडिया होगा। इतना सुंदर आपने एग्जीक्यूट किया है, बहुत ही सुंदर हुआ है। जो चीज हमने कहा, इसको और डेवलप करने के लिए थोड़ा सा आप कोशिश कर सकती हैं, ठीक है। यस मैम, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम हुआ आपका। चलिए, ये और कोई काम है आपका इसके साथ? नो मैम। ओके, चलिए, थैंक यू। अब किन का काम है? कुछ अच्छा से लिखा हुआ है, ये शायद रेशमा परवीन का है, रेशमा। अच्छा अच्छा, चलिए, वो है क्लास में। जी जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए, आपने तो काफी क्रिएटिव काम किया है। हाँ, जो पेड़ काटोगे तो इस तरह ये हरियाली इस तरफ है ना। yes. आप एक बात बताइए, इसका आइडिया क्या, आप कहाँ से कुछ की है या अपने से, और किस तरह इसको बनाने का आपने ये लिया, वो सब हमको बताइए। वो मैम, बोर्ड के लिए हम बना रहे थे, तो ऐसा ही मतलब सेफ ट्रीज का डे था, तो उसी पे हम सोचे कुछ बनाए, तो बहुत सारा मतलब यूट्यूब पे दिखा हुआ था, तो हम सोचे वो सब को जोड़ के हम थोड़ा सा अलग सा ये कर दिए कि एक साइड से दिखा देते पेड़ को काट के तो वैसे दुखी होता है और हरियाली का। जी जी बिल्कुल, अब जहां पर आपने हरियाली डाला हुआ है, बहुत सुंदर आपका बने, एग्जीक्यूशन तो बहुत अच्छा। मतलब आपका जो चीज हम कहते हैं ना कि खास करके आप लोग टीचर बन रहे हो, तो एक पेंटिंग के जरिए बच्चों तक बहुत अच्छा से आसानी से आप पहुंच सकते हो। इसमें भी कोई भी बच्चा भी देखेगा, इस पेंटिंग को देख के उसको पता ये चल जाएगा कि पेड़ जो काटे हैं तो वो गलत है और ये सही रहेगा और खुशहाली। जी, हेलो, जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है, इसकी एक विशेषता ये है कि मैं जहां तक बता पा रहा हूँ, इसके जो हरियाली तरफ का जो पार्ट है उसमें कई सारे चीजों को मिलाया गया, जैसे आंख भी उसी तरह से दिख रहा है कि वो खुश है, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां वगैरह हरियाली दिख रही है, और आधा पार्ट जो पेड़ का है वो भी उसमें लगता है कि सजीवता है, और इधर बिल्कुल जो है वो हरियाली जो घास वगैरह और उसके साथ कुछ फूल भी दिख रहे हैं, घास वाले जो फूल होते हैं, तो काफी अच्छा इंस्पिरेशन दिखा रहा है इस
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, मैंने हम बोले ना इतना इसका क्लियर मैंने ये है डिपिक्शन है कि बहुत ही अच्छा से आप किसी भी शख्स के दिल को छू सकते हैं इस पेंटिंग से। हाँ, काफी मतलब अच्छा इसका आइडिया है। और इसमें आप थोड़ा सा जो ब्राइटनेस आपका जो पेंसिल कलर से की है ना, तो थोड़ा सा उसमें टफ होता है, थोड़ा सा पत्तों में, और थोड़ा सा ब्राइटनेस अगर आ जाते कुछ कुछ मतलब दो चार तीन पत्तों में, और थोड़ा सा ब्राइटनेस लाइए और पंछी बैठाइए। जिस तरफ का टहनी सूखा हुआ पंछी नहीं है, इस तरफ एक आध छोटा, एकदम छोटा, मगर बड़ा नहीं कर डालिएगा उसमें, एकदम छोटा सा, जितना साइज का आपने वो फूल बनाई है ना, उतना ही लगभग साइज का छोटा सा चोंच दे करके एक दो पंछी, जैसे उन लोगों का मूवमेंट रहना चाहिए, जैसे वो लोग खेल रहे हैं, हरियाली है तो उसमें वो लोग खेल रहे हैं, तो इस तरह का आप दे सकती हैं और मैंने बेहतर लगेगा, थोड़ा सा जीवन और आ जाएगा उसमें। ठीक है, काफी मतलब सुंदर आपका ये मैं जरूर कहूंगी कि देखिए हम सबको ये बात कहते हैं, हमारे जमाने में जितने सारे रेफरेंसेस हुआ करते थे उससे कई ज्यादा रेफरेंस आप लोगों को मिलता है आज के डेट में, ऑनलाइन का जमाना है, इसमें आप लोग इंटरनेट में जा करके सर्च करके बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाता है। तो कुछ हद तक जो इसके बाद भी आपने खुद इस पर कुछ अमल करके कुछ अलग करके आपने बनाया, ये सबसे ज्यादा आज के डेट के आईडी आ गया, एक रेफरेंस फ्रेम एकदम से है, तो आपका टारगेट ना भटक जाता है कि वैसा हो रहा है कि नहीं। असल में हमें वैसा नहीं करना, खुद का बनाना जरूरी था, ये हम लोग भूल जाते हैं। आपको ये सबसे अच्छा लगा कि आपने रेफरेंस लिया और अल्टीमेटली एक तो खुद से बनाई। ठीक है, इसको जारी रखिए, क्योंकि हमारे जमाने में जानते हैं कोई एक चीज समझ में नहीं आया, हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, तब हम शायद क्लास 3-4 के थे, तो मेरे जैसे बड़ा बड़ा हम लोग ड्राइंग बनाते थे फुल शीट पेपर में, उस समय हम लोग बनाते थे, तो हमारे जो सर थे उनको हम लोग मास्टर मशाई बोलते थे, तो वो आते थे तो वो कुछ टॉपिक दे करके चले जाते थे और हम लोग बहुत मजा लेते थे कि वो टॉपिक को समझाते थे ना इतना सुंदर से, जैसे दुर्गा पूजा के समय किस तरह वो जो जिसको हम लोग धुनुची बोलते हैं, जिसमें वो जो धूप दिखाते हैं ना, धुना जो दिखाते हैं उसको लेकर के डांस होता है ना, तो वो चीज का बोले कि उसको हम लोग धुनुची नाच बोलते हैं बांग्ला में, तो उसका बनाना। अब मुश्किल ये है कि हमने कभी देखा नहीं था उस चीज को, तो हम बोले कि हम तो देखे नहीं, तो फिर मूवमेंट सब दिखाए कि ऐसे नाचता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो अपने नाच नाच के हमको दिखाए। ठीक है, जब ये बच्चा को पता नहीं तो उसको थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी था, ये उनके दिमाग में था, वो कैसे खुद दिख रहे हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद जाते समय मेरे पापा को बोल के गए कि हो सके तो जहां पर इस तरह का डांस करके वो लोग मेंटेन करता है दुर्गा पूजा, वहां एक बार इसको दिखा दीजिएगा। दैट वाज आवर रेफरेंस फ्रेम। और आज के डेट में आप अगर अच्छा इसको करना है तुरंत आप यूट्यूब खोलिए, मिल जाएगा, सैकड़ों मिल जाएगा। ठीक है, उस समय हम लोगों को वेट करना पड़ता था कब दुर्गा पूजा आएगा, तब हम ये देखेंगे, तब जाके, तो आप सोचिए ये जो तकलीफ उठाना पड़ता था। कभी आपने ये चीज गौर की है कि शहरों में फैसिलिटीज इतने सारे हैं लेकिन बंदे आगे बढ़ते हैं गांव के, कभी गौर किए इस चीज पर? हेलो हेलो जी मैम जी, कभी कभी हम लोग बातचीत में ऐसा करते हैं जो इतने सारे फैसिलिटीज शहरों में है मगर गांव के इतने बच्चे इस बार देखो आईएएस पास कर गए, ये सब बातें होती रहती हैं। तो होता क्या है ना, मैं एक चीज मानती हूं कि एडवर्सिटी जो है आपको बहुत कुछ लेकिन ज्यादा देता है कोई चीज को हासिल करने के लिए। आप सोचिए आपके पास इंटरनेट नहीं है तो एक शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए आप एक मैंने हार्ड कॉपी डिक्शनरी का एक हार्ड कॉपी ढूंढे। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, कोई एक बंदा हमको बोला कि नहीं इंटरनेट से क्या है ना, अभी गूगल पे जाओ, जो वर्ड तुम्हें चाहिए वो वर्ड का तुमने अर्थ निकाला और तुम्हारा काम जल्दी हो गया।
पहले जमाने में क्या होता था, एक वर्ड ढूंढने के लिए डिक्शनरी ढूंढना पड़ता था, पन्ना पलटते पलटते एक शब्द के जगह 10 और नए शब्द दिख जाते थे, 10 और नए शब्दों से आप परिचित होने लगते थे। अभी आपको जो शब्द चाहिए सिर्फ वो शब्द आपने गूगल पे निकाला, आपका समय बचा। अच्छा, वो बचा हुआ समय में हम लोग काम कितना करते हैं बोलिए तो? सच पूछिए कि उस जमाने में जो कर्मकांड लोग करके गए, मानिए रविंद्रनाथ टैगोर, वो जो करके गए, इतना साल हो गया हम लोग उसको ध्वस्त भी नहीं कर पाए। एक आदमी अपने जीवित अवस्था में जितना काम करके गया, उसके बाद तो कितना पानी बह गया नदी से, लेकिन अभी तक देखिए उनका फुल वर्क जो है एक आदमी अपने जिंदगी में पढ़ नहीं पाता। तो कहां था उनके समय गूगल, कहां था उनके समय यूट्यूब, एक चीज ढूंढने के लिए वो कहां कहां भटकते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं आपके सपोर्ट में ही जा रही हूं ये बात बोलने के लिए कि आपने इसके बावजूद अपने सृजनशीलता को बचा के रखा हुआ है, ये देख के अच्छा लगा। और इस तरह का काम जरूर आप कीजिए, इसमें वो वाला इंक्लूशन आप जरूर कीजिए, ठीक है, पर्चियों का, और अच्छा आपका हाँ डिपिक्शन और अच्छा होगा। मतलब क्या है ना, प्राण का स्पंदन जो है वो दिखना और जरूरी है। माने जैसे इसमें तो दिख ही रहा है कि इसमें जीवन स्पंदन है, मगर उसमें पंछी डाल दीजिएगा और वो लाइवली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा आपका हुआ, ये भी आप ही का है जी मैम। बहुत सुंदर है। थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं कीजिएगा आगे से, जब फेस बनाइएगा, कल मैं किन्हीं को बोल रही थी वो ओवल शेप के बारे में, ठीक है, आप एक काम खाली कीजिएगा, आपका जो व्हाट्सएप है उसमें हमको एक बार ना फेस स्ट्रक्चर दिखाना था करके एक मैसेज कीजिएगा, आपको उसमें मैं ड्रॉ करके बता दूंगी। लेकिन इसमें मैं आपको बता देती हूँ सबके लिए, क्योंकि वो रेफरेंस आप ही को खाली मिलने वाला है, वो खराब है, कि जब ओवल को पहले बनाइए और उसमें फेस जैसे आपका जरा सा तिरछा है इसमें, मैंने जैसे उधर देख रहा है, थ्री क्वार्टर व्यू है, ठीक है, तो उसमें जहां से आपका नाक को बनाना है उस हिसाब से एक मिड लाइन ओवल पर बनाना है, सीधा सीधा नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, ओवल जैसे लाइन गया ना उसी तरह एक लाइन से आपको एक मिड लाइन बनाना है उस जगह पर जहां से इस फेस का नाक गुजरेगा। ठीक है, अब उस लाइन को फॉलो करके आप ठुड्डी को बनाइएगा, ठुड्डी बिल्कुल उस नाक का मतलब उस लाइन का माने वो लाइन जो है ठुड्डी के बीचों बीच निकलेगा। ठीक है, नाक फिर ठुड्डी फिर दोनों साइड का दोनों आंख आपने जो एडजस्ट किया वो सही है, मगर जहां आपका थोड़ा सा हिला है तो वो ठुड्डी का लाइन, समझ गई ना? तो उस चीज को अगर वो लाइन पहले आप एक तो दे करके ग्राफ बना के आप करती हैं तो और परफेक्शन रहेगा। हालांकि ड्राइंग बहुत सुंदर हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ फादर डेवलपमेंट का आपको बोलती हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और एक चीज मैं थोड़ा सा आपको नॉक करूंगी कि वो जो पगड़ी वगैरह जो भी है उसमें जितने फोल्ड्स है ना, वो फोल्ड को थोड़ा सा और टोनिंग दे करके, मतलब जहां पर दो जगह का फोल्ड आके जहां पे आपने लाइन दिया हुआ है उस लाइन को और थोड़ा सा शेडिंग करके थोड़ा एक साइड में आप मोटा कीजिएगा अगर डार्क कलर से, तो देखिएगा वो और कपड़ा टाइप का लगने लगेगा। अभी थोड़ा सा फ्लैटनेस है वो चला जाएगा। ठीक है जी मैम, चलिए बहुत खूबसूरत। ये किनका, आप ही का? यस मैम। चलिए ये भी सुंदर है, थोड़ा सा और कलर आप यूज कर सकती थी फेस वगैरह में। थोड़ा सा देखिए ना, जैसे आपका वो जो फेस जहाँ कंप्लीट हुआ कहाँ गड़बड़ लग रहा है जानती है, वो जो गहना आपने डाला हुआ है गले में ना, उसको जरा सा छोटा कर दीजिए, दोनों तरफ से थोड़ा सा काट दीजिए, तो गला होता है थोड़ा पतला, वो पूरा फेस पूरा भर गया ना तो गर्दन लग रहा है नहीं है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए, थोड़ा सा काट के दोनों तरफ से निकाल दीजिए, माने आप समझ सकती हैं गला जितना। अब गला जैसे गला का दोनों साइड से खुद का देखिए, गला का दोनों साइड से उंगली से ऐसे करके सीधा उठिए मुंह के तरफ, तो देखिए जहां पर आंख खत्म होता है वहां आपका गला का लाइन देखिए है। अभी बैठ के कीजिए, जैसे गला के दोनों तरफ से उंगली ऐसे करके लीजिए सीधा मुंह के ऊपर उठाइए, तो देखिए दोनों आंख के साइड में आपका निकलेगा वो लाइन की, है ना? तो
तो उतना ही छोटा आपको खाली वो दोनों साइड का गहना को काट के कर देना है, फिर देखिए पूरा अलग लगेगा। चलिए थैंक यू, ये भी बहुत सुंदर। एक इनका, ये भी आप ही का है लग रहा है, एक ही मैसेज से आया था मेरे पास जी। इफ यू हैव अ गार्डन, सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर है, गुड। नहीं, इसका डिपिक्शन के बारे में हमको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, एक चीज है, चलिए आपको हम जितना खाली बोले उसको खाली आप लोग आप थोड़ा सा कीजिए, और आगे दिन के लिए, कल आखिरी दिन है तो आप लोग जैसे आज अपने तरफ से कुछ कुछ आप लोग बनाए थे, आज मैं आप लोगों को खाली एक, असल में समय काफी हो गया है, फिर भी मैं एक एट ए ग्लैंस आपको जो दिखाना था वो दिखा देती हूँ, जो ऑर्नामेंट्स के बारे में कल हमने बात किया था। हालांकि मुझे मैंने आप लोगों को बोलना पड़ता है कि आप फाकी मत मानिएगा, तो हम ही फाकी मार दिए थोड़ा सा, वो जो बोले अपने प्रॉब्लम के चलते हम वो ये वाला नहीं बना पाए। तो ऑर्नामेंट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, इसको मुझे कल दिखाना था, ये देखिए, इसके बारे में कल मैं बात कर रही थी, फूलों का गहना। ठीक से दिख रहा है स्क्रीन में? हेलो जी, हाँ आ रहा, आ रहा बिल्कुल। ओके, ये किसी दुल्हन को सजाने के लिए ये वाला गहना यूज किया जाता है हमारे बंगाल में, वो जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर होता है, और नहीं तो फिर आप इसका प्रचलन शहरों में भी बहुत हो गया है, आप देख सकते हैं। देखिए ये हाथ में बांधने वाला, ठीक है, बाजूबंद जिसको बोलते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा यही दोनों ही है मेरे पास, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दी, और जो मैं स्लाइड जो और एक किसी ने बनाया हुआ है, एक मिनट, वो जो उस स्लाइड तक मैं जाऊं, एक दूसरा में था शायद, ये वाला, ठीक है, ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, तो इस चीज को आप देख सकती हैं। और फूलों का जो गहना आप लोग ना कल के लिए थोड़ा सा, अब फूल अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि फूल से ही बना के आप ये कीजिए, तो थोड़ा सा आप लोग देखिए अगर संभव है तो, ये दानों से करने का, रसोई से निकाल के वो सब चीजों का। एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्क्रीन में लौटती हूँ। एक मिनट, हाँ हाँ वो अगले वाला में, हाँ ठीक, थैंक यू। चलिए, हाँ इधर एक चीज मैं दिखा देती हूँ, कितना दिखेगा, कैसे मैं दिखाऊं, ये दिख रहा है आपको, ये बाली, हेलो जी, दिख रहा है, थोड़ा सा और कैमरे के नजदीक लाइए, पीछे थोड़ा सा आप, हाँ अब दिख रहा है बिल्कुल। तो ये जो चीज है ये बेसिकली मिट्टी का है, जो मैंने पहन रखा था, आज मुझे आइडिया था कि मैं इसको दिखाऊंगी, ठीक है, ये मिट्टी से बना हुआ है। ये सब भी आप लोग बना सकते हैं क्राफ्ट में, जैसे आपका क्ले मॉडलिंग वाला जो चीज है ना, उसमें आप लोग मिट्टी से बना करके लकड़ी का चूल्हा में भी ये करके आप लोग बना सकते हैं। इसके पीछे बस ये सिस्टम दिया हुआ रहता है गहनों का, जैसे लगाने के लिए, और ये इसमें ये करके जैसे रहता है बाली में, ठीक है। तो इस तरह का चीज जो है, आप एक चीज देखिए, इस कोना कोना में जो डिजाइन है, इसी के बारे में मैं बता रही थी, जो जौ या धान से आप एक पीज, मैंने जैसे एक बोर्ड ले लीजिए, कूट का गोल करके काट करके आप एक, अब सोचिए कि ठीक बीच में आप एक डार्क कलर का, जैसे वो जो छिलका वाला मूंग होता है उसको डालिए, फिर चारों तरफ सरसों का दाना से गोल कीजिए, फिर उसके बाद आप मसूर का दाल उसमें डालिए, और उसके बाद धान से आप लोग इस तरह ये वाला टेक्सचर उस पर लाइए, ठीक है, बोर्ड के ऊपर, और फिर आप वो बाली का डिजाइन आप बना सकते हैं, फिर उस हिसाब से हार का डिजाइन भी आप लोग बना सकते हैं। तो एक सेट उसका आप लोग जैसे बोर्ड पर किए,
आवाज चली गई है मैम आपकी। प्रीता मैम आवाज आपकी चली गई है। विनीता मैम आपकी आवाज चली गई है, आप सुन पा रही हैं हमको? लगता है वो नेटवर्क के कारण निकल गई हैं, फिर जुड़ेंगी, फिर जुड़ेंगी वो। सभी लोग पेशेंस बनाए रखिए, आज पहली बार वो नेटवर्क के कारण बाहर हो गई, कोई बात नहीं है, फिर जुड़ेंगे। कल जो है हम लोग के वर्कशॉप का लास्ट डे रहेगा। स्थिति इस प्रकार से रही है, आप सभी देख पा रहे हैं, एवरेज 35 से 40 के बीच रही। तो करने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, ये तो समझ से परे है। इसलिए मैंने सब लोगों को पहले भी बताया था कि सभी लोग क्लास करें, सभी लोग जुड़िए, लेकिन कोई बात नहीं है, कल हम लोग का लास्ट डे रहेगा, सभी पार्टिसिपेंट्स जुड़ेंगे। इस बीच में आपको तब तक अटेंडेंस शेयर कर देता हूं, आप सभी पार्टिसिपेंट्स अटेंडेंस बना लीजिए जब तक मैडम जुड़ जाती हैं। एक बार मैं उनसे भी संपर्क करके उनको जोड़ने की कोशिश तब तक कर रहा हूं। तब तक आप सभी पार्टिसिपेंट्स अपना अटेंडेंस फुलफिल कर लीजिए। अटेंडेंस स्लिप मैंने शेयर कर दिया है, आप सभी अटेंडेंस फिल कर लीजिए। मैम फिर से आप आ गई हैं, बीच में आपकी एकदम जो है कट गया था आपकी आवाज, आप अनम्यूट हो जाएं, पहले अनम्यूट कर लीजिए पहले माइक। जी नहीं हो रहा था, मैं ऐसे कर रहे थे तो जी हाँ, बहुत नेट का मैंने एकदम आज तो एकदम हट कर दिया, पूरा लीव करना पड़ा हमको मीटिंग, तो फिर जाके फिर ज्वाइन किए। अच्छा तो शायद बच्चों को समझ में आ गया होगा कि होमवर्क हम क्या दे रहे थे, कि आपके पास अवेलेबल जो भी चीजें हैं उससे, आपके पास अगर फ्लावर्स अवेलेबल हैं तो उससे भी आप लोग बना करके दिखा सकते हैं। अभी भी टाइम है, जैसे मतलब शाम तक आप लोग थोड़ा मोड़ा फ्लावर जो रहने वाला, मतलब जो रहता है फ्लावर्स, उस तरह का फ्लावर्स को ले लीजिएगा। और कटहल का पत्ता जो है वो काफी ये होता है, हार्ड होता है, मतलब जैसे वो रहता है बहुत देर तक। आम का पत्ता, कटहल का पत्ता, ये सब जो है उसके ऊपर आप लोग डायरेक्टली उसको फेविकॉल से चिपका के उसका एक डेकोरेशन आप लोग बना सकते हैं। इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को करने में। और अगर इसको ऐसा है कि किसी किसी के घर के आसपास फ्लावर्स वगैरह नहीं है तो आप लोग ये मत ले, प्रेशर मत ले, लेकिन घर का जो भी सीरियल दाना वगैरह जो भी है उसको दे करके आप लोग थोड़ा सा उस तरह का डेकोरेशन एक बनाइए कल के लिए। कल का थोड़ा सेशन इसी तरह रहेगा कि हम लोगों ने क्या किया और किस तरह इसको प्रेजेंट करना है, किसके बाद क्या लिखना है कॉपी में और कब तक सबमिशन वगैरह है, वो जा सर आप लोगों को कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना हमको लगता है काफी है। बच्चे चले तो नहीं गए,
नहीं नहीं है, है बच्चे हैं जी जी अच्छा क्या किया कि वो अटेंडेंस शेयर कर दिया ठीक चलिए हाँ हम क्लास से गायब हो गए जी जी एक जानकारी सभी पार्टिसिपेंट्स को देनी थी कि कल जो है हम लोगों का लास्ट डे रहेगा इस वर्कशॉप का तो उपस्थिति बनाए रखिए अपनी और एक जो मैंने पहले ही सूचना दी है सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका लगभग रेडी ही है तो हम लोग सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को दे जो इस पूरे वर्कशॉप में अपना योगदान दिया है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरी अनाउंसमेंट ये करनी है कि कल हमारे साथ एक और फाइन आर्ट्स की अध्यापिका जुड़ेंगी वो दिल्ली से जुड़ेंगी हमारे साथ मैंने उनको विशेष अनुरोध किया और वो अपनी 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 व्याख्यान जो है वो मधुबनी पेंटिंग पर ही आधारित रखेंगे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में जब हमारे बच्चों को पूरी जानकारी इस वर्कशॉप के माध्यम से दे देंगी तो शायद ये वर्कशॉप का जो अपना एक उद्देश्य है वो मूलभूत उद्देश्य भी पूरा हो पाएगा तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया स्टार्ट से होने से पहले ही मैंने दो तीन दिन पहले मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था लेकिन उनका फीडबैक या रिस्पांस नहीं आया था। आज अभी अभी थोड़ी देर पहले वो मुझे रिस्पांस मिला है कि सर ठीक है आप हमें समय बता दें तो कल हो सकता है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगी। मैं जैसे ही अभी वर्कशॉप खत्म हो जा रहा है मैं उसके साथ उनके साथ बात करके उनको अपना टाइम दे देता हूँ तो कल थोड़ा सेशन जो है अधिक ज़्यादा समय तक खींच सकता है। पहले आपका सेशन होगा जो अभी चल रहा है आप पूरे अपने सेशन को कंप्लीट कर लेंगी पूरे तन्मयता के साथ फिर उसके बाद उनका अपना लेक्चर होगा और पुनः उसके बाद जो है हम लोग इस पूरे वर्कशॉप को विराम देंगे। तो ये सूचना दूसरी सूचना मैंने आप लोगों को दी और जुड़िए जी मेरा ये प्रयास था कि कम से कम एक इनोवेशन जो है भी दिख जाएगा दूसरे लोगों को भी सुनने का मौका मिलेगा और कुछ नई चीजें जो मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि वो रखती हैं जैसे मुझे पता चला तो मैंने उनसे कहा है देखिए कि अभी हमसे उनसे क्या बात होती है कल मैं उनके बारे में विस्तार से बता भी पाऊंगा और क्या कल कहेंगी कैसी कैसी अपनी व्याख्यान को रखती हैं कैसे चर्चा करती हैं वो तो वर्कशॉप के दौरान ही पता चल पाएगा। फिलहाल आपको ये सूचना दे दें कि कल हमारे साथ एक और फाइन आर्ट्स की टीचर जुड़ेंगी दिल्ली से जुड़ेंगी। मैम हमने शेयर कर दिया है कार्यक्रम को हम लोग यही नाम विराम देते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कल अपने समय के अनुसार धन्यवाद आप सभी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।